हाय, तो आप सबका स्वागत है फिल्मी फंडे पे। ये तीसरा एपिसोड है और आज हम लोग के साथ है देव पारेख, जो मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है कॉलेज से। हाय देव। तो हाय। ये स्क्रीन प्ले स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन का भी मेंबर है और मैं इसे पहली बार फिल्म सोसाइटी में मिला था। मिठी भाई फिल्म सोसाइटी में हम लोग मिले थे और वहाँ से एक्चुअली बहुत सीखने को मिला हम लोगों को। और वहाँ से ही हम लोग ने एक्चुअली डिस्कस करना स्टार्ट किया फिल्म्स के बारे में। एंड तभी देव ने मुझे हालात के बारे में बताया। हालात जो फिल्म है वो देव ने मामी में भी सबमिट की थी, अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हुई, पर मतलब बहुत बड़ी बात है कि मामी में हम लोग जब SY में थे तब हम लोग को मतलब एक थॉट आया कि तुझे तो एक्चुअली स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी थी देव तुमने, राइट? स्क्रिप्ट तो मैंने मतलब बहुत टाइम पहले ही लिखी थी, बहुत ऑलमोस्ट 2 साल पहले ही लिखी थी। जब शूटिंग करेंगे उसके कुछ 3 4 महीने पहले ही मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी। तब उसके बाद चेंजेस में बहुत सारे गए थे जब हम लोग शूटिंग किया पहली बार। उसके बाद भी चेंजेस में बहुत सारे गए थे। फाइनली जाके हम लोग ने फाइनली शेड्यूल जब चालू किया था ना, तब तक एक स्क्रिप्ट लॉक लॉक हो चुकी थी। हाँ, तो भाई मुझे याद है अभी भी कि तूने मुझे पढ़ने को दी थी और हम लोग ने बाद में डिस्कस किया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आज हम लोग हालात का ब्रेक डाउन करेंगे। आज हालात जो फिल्म है उसका सिनेमेटोग्राफी वाइज, डायरेक्शन वाइज, और एक्टर्स को कैसे हैंडल किया, लोकेशन कैसे ढूंढी, और वो सब बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है, काफी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स है, हमें यही पता नहीं चलता कि प्रोटागोनिस्ट कौन है, एंटागोनिस्ट कौन है। काफी मतलब दोनों ही कैरेक्टर्स काफी अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देव, पहला क्वेश्चन ये है कि ये आइडिया कहाँ से आया कि ऐसी कोई फिल्म बनानी है कश्मीर के जो इशू है उसके ऊपर? अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने मतलब जब सच्ची बोलूं तो मेरा जो सबसे वन बस इंस्पिरेशन जो नाम डार्क नाइट से आया। डार्क नाइट मूवी याद है ना, जिसमें बैटमैन और जोकर कन्वर्सेशन भी होता है। तो हाँ वो कन्वर्सेशन जो होता है ना, इंटरोगेशन होता है, तो वैसे ही मैंने उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत ऐसी सुपर हीरो टाइप की फिल्म लिखी थी, जहाँ पर एक सुपर हीरो होता है वो टेररिस्ट के सामने फाइट करता है इंडियन आर्मी के साथ। तो ओके उसमें ये जो टेररिस्ट का जो कोई लीडर होता है सुपर हीरो, उसके साथ ऐसे ही बात ऐसे कन्वर्सेशन होता है। जब फाइनली मैंने पढ़ा मुझे लगा यार मैंने तो सीन टू सीन ऑलमोस्ट कॉपी कर रहा हूँ डार्क नाइट की, और मैं चाहता नहीं था मेरे कोई कॉपी है वगैरह ऐसा करूँ। तो मैंने पूरा आइडिया स्क्रैप कर दिया था, लेकिन वो पर्टिकुलर सीन मेरे दिमाग में रह गया था, इससे और अच्छे से कैसे लिख सकूँ। इसलिए मैंने सुपर हीरो को आर्मी इंडियन आर्मी में बना दिया, क्योंकि वो लोग सुपर हीरो से कम तो नहीं राइट है। राइट। तो करेक्ट। पहले फिल्म बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मतलब फिल्म्स में जाना है और फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, फिल्म्स बनानी है, स्क्रिप्ट्स लिखनी है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? जो बात राइटिंग की बात है ना, वो तो मैं बचपन से इनफैक्ट मैं करते रहता हूँ। क्या है ओके कि ऑनेस्टली पर जो बचपन में हम लोग याद है बच्चों को जैसे टॉयज दिया जाता था, एक्शन फिगर्स वगैरह, तो हाँ उसके हाँ साथ मैं बहुत खेलते रहता था। मैं बचपन से अपनी खुद की स्टोरीज बना रहा था उसमें भी, नाइस। लेकिन मैं ना और बहुत टाइम से मैं खेल रहा था। ऐसा भी नहीं कि मैं एक दिन बड़ा हो गया, मतलब बड़ा अभी 10 11 या 12 साल के बाद मैंने खेलना एक्चुअली बंद कर दिया था, लेकिन वो सब मैंने उसे रिप्लेस करके बुक और पेन के साथ कर दिया। और जो भी शुरू शुरू में स्टार्टिंग में जो सुपर हीरोज वाली स्टोरी थी वो मैं लिखता था, उसके बाद धीरे धीरे जाके मैं थोड़ा रियलिस्टिक स्टोरी की तरफ अप्रोच करने लग गया, और अभी तो काफी रियलिज्म की तरफ मैं अभी ज्यादा देखता हूँ, सुपरफिशियल इससे ज्यादा। तो मतलब ये जो है ना स्टोरी राइटिंग अपनी खुद की दुनिया में खोज होते रहता हूँ। ऐसा भी नहीं कि यार बाहर की दुनिया में कभी कभार देखता या नहीं देखता, कभी कभार अपने कमरे में अपने आप को बंद करके, या फिर जब भी मुझे किसी पे गुस्सा आता है तो फिर मैं उस पर स्टोरी लिख लेता हूँ कि मैं इस बात से मारूंगा, या फिर दस आज मुझे निगाह पे गुस्सा आया या फिर उसने एक साथ ऐसे किया ऐसा किया, तो स्टोरी लिखूंगा कि ये एक विलेन सिनेमाटोग्राफर है जो ऐसे गुंडा वगैरह, फिर मैं स्टोरीज लिख रहा हूँ। सच ही ऐसा हुआ नहीं है, एग्जाम्पल समझा। ऑफ कोर्स। और ये होगा। अच्छा, और मतलब अब तक कितनी स्क्रिप्ट्स लिखी है वो बता सकते हो? स्टोरीज मैंने बहुत सारी लिखी है, ओके शायद अगर मैं काउंट करने लगूंगा तो फिर मुझे पता नहीं। और स्टोरी को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते करते अभी तक तो बहुत कम हुए हैं, हंड्रेड अराउंड हंड्रेड मैक्स टू मैक्स हंड्रेड 100 स्टोरीज लिखी है, स्टोरीज 100 लिखी है। अगर मैं अपने बचपन की स्टोरीज की भी अगर बात करूंगा, जैसे सुपर हीरो सुपरफिशियल टाइप की बात करूं, स्कूल के टाइम में भी मैं लिखता था जब भी इजी पीरियड चल रहा था तब, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आराम से 100 से ऊपर तो हो गया होगा स्टोरीज सिर्फ। लेकिन जो स्क्रिप्ट वगैरह ना, स्क्रिप्ट के साथ डिटेलिंग कैरेक्टर इमोशंस वो सब मिला के ऑलमोस्ट हार्डली ज्यादा हुए नहीं है, अराउंड मैक्स टू मैक्स 10 हुआ होगा, 10 या 15। तो मैंने भी एक्चुअली जब सिनेमाटोग्राफी बचपन में मैं ऐसे ही टॉयज लेता था एंड फोन
जो चाइनीज फोन पहले आते थे बड़े बड़े एकदम, हाँ वो उसके हाँ कैमरास बहुत अच्छे रहते थे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी रहती थी। तो मेरे पापा का था एक टच स्क्रीन, नया नया आया था तभी, टच स्क्रीन नहीं हुआ करते थे तो हाँ चाइनीज फोन था, हाँ तो मैं वो लेके शूट करता था ऐसे एक्शन फिगर्स या हॉट व्हील ट्रैक्स का पूरा एक छोटा सा वीडियो और वो सब करता था। तो एक्चुअली मतलब शुरुआत हम लोग टॉयज, क्योंकि बचपन में हम लोग टॉयज से खेलते थे, तो वहां से ही एक्चुअली हम लोग ने सीखा है कि ओके तुम टॉयज के बारे में स्टोरी लिखते थे और मैं टॉयज को शूट करता था। तो देव ये हालात जो फिल्म है उसके बारे में तुम कुछ बताओ। पहले तो मैं ऑडियंस को ये बोलूंगा कि ये फिल्म ब्रेकडाउन देखने से पहले वो फिल्म जरूर देखे, अभी तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल है देव के चैनल पे, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देव तो हालात फिल्म के बारे में कुछ बताओ, प्रोसेस कैसे हुआ और एक हालात की जर्नी एक समरी करके तुम बताओगे। यार हालात की जर्नी ज्यादा हमें पता है यार, काफी मतलब ऊपर नीचे हुई थी हमारे साथ सब कुछ, जैसे लोकेशन फाइंडिंग में, कास्टिंग में वगैरह हर जगह पे। बहुत और क्या कि जैसे मैंने बताया कि हालात की स्टोरी कैसे आई थी, पहले सुपर हीरो से मैं रियलिज्म की तरफ पहुंचा, उसके बाद दोनों कैरेक्टर्स के बारे में मतलब मैं लिख रहा था, और जो भी अभी कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जितना मुझे पता था उसमें मैंने काफी कुछ रिसर्च भी किया था। और जब मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा था मतलब काफी बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया था, ऑलमोस्ट 15-20 मिनट जितनी लंबी फिल्म हो सकती है हाँ उसे मैंने, क्योंकि उसमें काफी सारे लेयर्स और काफी सारी बातें मैंने लिखी हुई था। सो दैट टाइम फिर मैंने उसे थोड़ा बहुत ऐसे ट्रिम किया, थोड़ा कम किया स्क्रिप्ट को, और हार्डली कुछ 7 to 8 pages जितनी लंबी स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी। और तब मैंने ना ये बात एक्चुअली जेमिन को, मेरे साथ यूट्यूब चैनल चालू करना था, कुशल को ने भी बोला था कुछ चालू करना यार, उसने इनफैक्ट कुशल ने बोला था कि कोई आइडिया देना यार कुछ थ्रिलर किस्म का कंटेंट, कॉमेडी, हर कोई कॉमेडी चल रहा था। सो दैट्स व्हाट व्हाट कुशल हैड सेड। और मैं तब चाहता था कि एक बार मैं दोनों को भी एक स्क्रिप्ट सुना दूं हालात की, और मुझे क्योंकि लगा कि दोनों के कैरेक्टर्स थोड़े बहुत मतलब 100% नहीं लेकिन कुछ हद तक तो क्लोज क्लोज और वो लोग कर क्लोजली पाएंगे मतलब अपियरेंस था, हाँ सिर्फ अपियरेंस काफी हद तक क्लोज था, और दोनों को एक्टर्स भी बनना था। तो वही मैंने दोनों को सिर्फ ऐसे ही सुनाई कि हालात की स्टोरी कैसी लगी, दोनों ने बोल दिया मैं काम करूंगा इसमें कुछ भी हो जाए, ये दोनों ने लिटरली बोल दिया था कि इसमें मुझे काम करना है, उसके बाद मैंने मुझे सुनाई थी। तो कैरेक्टर्स डिसाइडेड थे कि कुशल खालिद प्ले करेगा और नॉट अशराफ एग्जैक्टली, नहीं। मैंने दोनों को अपनी अपनी स्टोरी से एक बार सुनाई थी, तो वो दोनों पहले इंटरचेंज करने वाले थे शायद कि ये ओ खुशब शायद खालिद करे या जैमिन अशरफ करे, लेकिन फिर एक बार धीरे धीरे हम सोचने लगे कि कैसा करना है कैसा नहीं करना, और फिर फाइनली जैमिन फिर सेटल हो गया कि उसे खालिद करना, खुशब को अशरफ करना था। तो इसलिए मैंने फिर दोनों को ऐसे कैरेक्टर्स दिए गया था, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर्स काफी हद तक इंटरेस्टिंग थे। राइट जैसे राइट अगर खालिद का कैरेक्टर जो था उसमें ज्यादा एक्सप्रेशन ज्यादा होते, इमोशन ज्यादा दिखा रहा था, और अशरफ के कैरेक्टर काफी कम रिस्ट्रेंट किस्म का कैरेक्टर था, इसमें ना कॉम्प्लेक्स था उसका कैरेक्टर, कभी उसे गुस्से में रहना है, कभी उसे शांति से समझाना है, कभी उसे मतलब अपना दिमाग एक कंट्रोल करना हाँ टाइप लीड का भी करना वैसा है था। क्योंकि वो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले हम लोग देखते हैं तो जो खालिद है वो यूनिफॉर्म में, जो मिलिट्री का यूनिफॉर्म है उसमें, तो वो काफी मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ओके अशराफ जो है वो टेररिस्ट है या खालिद जो है वो टेररिस्ट है। तो ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे कैरेक्टराइजेशन किया खालिद और अशराफ का, और कैसे स्टोरी को मर्ज करके एक बहुत ही अच्छा क्रिएट किया, तो कैसे किया मतलब कैरेक्टराइजेशन कैसे किया? क्या है कि हमें हमें है ना मतलब जब मैंने स्क्रीन राइटिंग का क्लासेस किया था मयूरपुरी के साथ, स्क्रीन राइटिंग ओ बूट कैंप, अनुपम खेर का जो क्लास हाँ मैं हाँ है एक्टर अनुपम खेर प्रिपेयर्स, का, एक्टर प्रिपेयर्स हाँ एक्टर्स प्रिपेयर ओके क्लासेस, तो वहां पर मैंने स्क्रीन राइटिंग के बारे में सीखा था। उसमें एक बार पता चला कि हमें अगर स्क्रिप्ट अच्छे से बनानी है ना, तो फिर उसका जो 3 act स्ट्रक्चर है उसे ध्यान से स्टडी करो, और राइट उसे बहुत ही इजिली क्रैक करो, और हर स्टोरी में कुछ ना तो कुछ नया डालने की कोशिश करो, हर कोई स्टोरी में तो राइट कुछ क्रिएटिविटी कुछ न्यू देखने को मिलेगा तो लोग ज्यादा देखेंगे, ऑफ हो कोर्स सकता है अच्छा हो या बुरा हो। तो क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में ही मतलब मैं चाहता था कि सेट हो जाए कि इसमें ना एक्चुअली इसकी वर्दी चुराई थी खालिद ने, जो है अशरफ के दोस्त रणविजय प्रताप की वर्दी ली थी, उसे मार दिया, उसके बाद उसकी वर्दी पहनी, और वो इंडियन आर्मी तरीके से मतलब वैसे मतलब वो इविल काम कर रहा था, बुरा काम कर रहा था ताकि इंडियन आर्मी को डिफेम कर सके ऐसा, लेकिन अशरफ ने ऑलमोस्ट राइट टाइम में पकड़ लिया था।
अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग शहीद भी हो गए थे, बट एट द सेम टाइम अशरफ ने लेकिन कई लोगों को बचा लिया था, एंड ही आल्सो और इंडियन आर्मी को की इज्जत बचाई थी अशरफ बीइंग आर्मी ऑफिसर. सो दैट्स व्हाट द स्टोरी वाज. स्टार्टिंग में मुझे ऐसा बड़ा ट्विस्ट ये था कि स्टार्टिंग के 30 सेकंड में ही लोग शॉक हो जाए कि क्या हो रहा है, उसके बाद अचानक ही तो लोग अचानक ही मतलब ट्विस्ट में आ जाए और स्टोरी सेट हो जाए कि दिस इज द स्टोरी ऑल अबाउट. और जो दोनों ने दोनों की तरफ से खालिद के साथ जो उसकी बैक स्टोरी में हुआ बहुत बुरा हुआ, पर लेकिन उसके जो एक्शन उसके बाद उसने किया वो भी कुछ अच्छा नहीं था. और सो दैट्स हाउ आई वांटेड टू सेट इट. और जो जो बीच में ट्विस्ट आया है कि ओके मैं जो लोग ने नहीं देखा तो वो लोग एक्चुअली वो स्पॉइलर है उनके लिए, पर स्पॉइलर है बड़ा वाला स्पॉइलर. तो मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, लोगों को देखने दूं? बोलो, क्योंकि ये तो फिल्म ब्रेकडाउन है, तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले देखे फिल्म. और हेलो हेलो, हाँ तो पहले वो लोग फिल्म देखे तो तेरा वीडियो चला गया. देखो बीच में जो एक इमोशनल एक स्टेज आता है खालिद के स्टोरी में कि वो अपनी बैक स्टोरी बताता है कि वो क्यों टेररिस्ट क्यों बना, वो क्यों ऐसा स्टेप लिया उसने, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था. हम लोग को पॉलिटिकली न्यूट्रल एक सीन देखने को मिलता है जहाँ जहाँ पे स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा है कि ये टेररिस्ट बना वो भी उसका पॉइंट सही था, और ये लोग मिलिट्री वाले जो कर रहे हैं टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी सही है. तो ये पॉलिटिकली न्यूट्रल जो बनाने का आइडिया आया वो कहाँ से आया, और ये बैक स्टोरी का कैसे मर्ज किया उसमें ये जो बहुत सारी ऑनेस्टली बोल मैंने बहुत सारी न्यूज़ में भी देखा था, मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्यों कर मैंने कई बार मैं ऐसे देखता हूँ कि भाई कश्मीरीज हेट ही इंडियन आर्मी, जो बहुत सारे नहीं लेकिन कई सारे है जो लोग ऐसे फील करते हैं. ये बात मैंने एक बार स्टडी करने की कोशिश की, मैंने मतलब कई सारी स्टोरीज सुनी थी इसके बारे में, कुछ तो मैं कम्प्लीटली डिसबिलीव करता हूँ. और ये भी मैंने सुना था कि बीच में ऐसे न्यूज़ आया था यार कुछ कुछ टेररिस्ट ने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के कपड़े पहन के मतलब ऐसे फाइट करने की कोशिश की थी, और ऐसे मतलब पकड़े गए थे कि वो लोग एक्चुअली टेररिस्ट थे जो नकली यूनिफॉर्म पहन के मतलब ऐसे हंगामा मचा रहे थे, मतलब ऐसे बल्क आई थिंक मेंशन किया है स्क्रिप्ट में उरी. उरी का हां उरी में भी ये मेंशन किया था, ये मैंने उरी से पहले ही लिखा था. हां एक्चुअली हां उरी से पहले लिखा था, और मैं उरी की नहीं बात कर रहा हूं, पर एक्चुअली स्क्रिप्ट में वो लाइन मेंशन है उरी मूवी जो थी ना, उरी में जो हुआ उससे भी बड़ा हम लोग कुछ प्लान कर रहे थे, ऐसा एक डायलॉग है राइट. वो एक्चुअली काफी कंट्रोवर्शियल था शायद, इसके वजह से अब लोग से नहीं हुए. अभी भी डर रहा हूं मामी में उसके वो लाइन यूज करने से, मैं अभी भी डर रहा हूं, मतलब मुझे लग रहा है कि ये शायद मुझे वो लाइन यूज नहीं करना चाहिए था, ऐसा ना लगे यार कि मैं मतलब कुछ कंट्रोवर्सी गेन करने की कोशिश कर रहा हूं या पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश कर रहा हूं. मुझे अभी भी बुरा लग रहा है. I'm really sorry अगर मैंने वो लाइन है किसी को भी अगर हर्ट किया होता है, पर हम नॉट दैट पर्सन डिस्क्लेमर आई थिंक पहले डाला था कि ये फिक्शनल स्टोरी है, कोई और ये हम लोग को वही ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म जो होती है वो बन जाती है अगर ऐसे टॉपिक्स पर बनी हो तो. करेक्ट, क्योंकि डायलॉग्स डायलॉग्स भी कुछ हद तक ऐसे है, कुछ डायलॉग्स में मतलब ऐसा फील ना हो जाए कि सिंपथाइज करने लग जाओ खालिद के साथ भी एट द सेम टाइम. और फिर एक्चुअली एट द सेम टाइम क्योंकि एंडिंग में ये भी क्लियर करता है दैट खालिद वाज कंप्लीटली रॉन्ग इन हिज एक्शन, पर इस चीज जो हुआ था ही वाज रॉन्ग इन हिज वी. सो तू क्या बोलना चाहता है यार? मेरा क्या क्या बोल रहा था? कुछ बोल रहा था, सॉरी सॉरी. हाँ मैं ये बोल रहा था जैसे कि अभी इसमें तो ये कह नहीं सकती कि प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट कौन है. हाँ हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये दोनों को मैंने मैंने दोनों तरीके से अपने आप को रखा, जैसे कि अशरफ की स्टोरी में खालिद एंटैगनिस्ट है और एंटैगनिस्ट, और खालिद की स्टोरी में अशरफ एंटैगनिस्ट है. लेकिन अगर ऑडियंस के व्यूज के हिसाब से देखा जाए तो खालिद विलेन है और अशरफ हीरो है. प्रोटैगनिस्ट एंटैगनिस्ट नहीं, लेकिन विलेन एंड हीरो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट टर्म्स और दे आर डिसगाइज्ड इन 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 द इन द ओन कॉस्ट्यूम्स, सो वो काफी अच्छा. तो
तो यार मेरे तो यार और क्वेश्चंस है। कास्टिंग के बाद ऐसा लगा कि मतलब कैसे डायरेक्ट किया, क्योंकि जयमिन कॉमेडी एक्टर है, वो कॉमिक रोल्स करता है, और उसको डायरेक्ट करना इतने सीरियस रोल के लिए, और उसमें रोना भी है, तो वो कैसे डायरेक्ट किया तुमने? यार ये और इसी को दैट्स लाइक सबसे डिफिकल्ट काम हम लोग का यही था, सबसे टफ काम था। हाँ एक बार के लिए तो मैं क्रेडिट दूंगा दैट दिगांत ने भी मेरी डायरेक्शन में काफी हेल्प किया था, कैसे भी मतलब काफी हद तक हेल्प किया था, मुझे थोड़े ट्रिक्स भी बताए थे कैमरा ट्रिक्स या सिनेमाटोग्राफी के बारे में भी काफी कुछ। सो दैट्स फॉर दैट दिगांत थैंक्स अ लॉट। अरे अभी मतलब चेयरमैन की बात करें तो फिर यार हाँ, कुशल जो है उसे एक्टिंग उसने पहले कभी किया नहीं था और वो पहली कुशल बार कुशल एक्टिंग कर रहा था। ओके हाँ कुशल मतलब उसका पहला मेजर एक्टिंग तरीके मेजर एक्टिंग रोल था, पहले मतलब मेरे साथ फोटोग्राफ मूवी में जूनियर आर्टिस्ट तरीके से काम किया तो वो था, लेकिन हाँ ये उसका मेजर था जिसमें वो ओके सेंट्रल कैरेक्टर भी हो सेंट्रल इसकी परफॉर्मेंस भी हो ऐसा। राइट राइट तो उससे भी काम कराना मतलब उस मैं थोड़ा बड़ा वाला रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी नया नया था, कुशल भी नया नया था, जयमिन पहले से मतलब कॉमिक वीडियोस बना रहा था टिकटॉक पे बना रहा था, वो बात अलग है, बट वो भी कुछ नया नया कर रहा था। सो और कॉमिक से सीधा अलग ट्रांजिशन हुआ उसका, सो इट्स अ कंप्लीटली सीरियस कैरेक्टर, तो फिर ये बड़ा वाला रिस्क ऑब्वियसली लिया था, ऑलमोस्ट हर लाइन में उसके कुछ 10-15 टेक्स लिया था हम लोग ने। वो याद है, बट द इसलिए सेम हम लोग को टाइम एक्चुअली जयमिन भी टाइम करना लगा। चाहता था। एक्चुअली ये जो था वो 2 दिन का काम था, एक दिन नहीं, हम लोग ने 2 दिन में ही हाँ शूट किया आई ये थिंक। 2 दिन के लिए हाँ काम किया था, पर ये टू एक मेजर दिन का डेज। आई थिंक एक दिन में हो सकता था, अगर एक्टर्स प्रिपेयर रहते तो वैसे क्या। एक्टर्स ऐसा नहीं कि एक्टर्स ने प्रिपेयर किया नहीं था, वो लोग ने किया था, लेकिन कैरेक्टर्स ही तो इतने कॉम्प्लेक्स थे। जब हाँ मेरे डैड ने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो डैड ने कहा था कि कैरेक्टर्स इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि उसके लिए ना बहुत ही मेथड एक्टर्स चाहिए, मतलब हाँ सबसे सीनियर वेटरन एक्टर्स भी अगर करेंगे ना तो भी शायद उन लोग की हालत खराब हो जाएगी करते करते। डायलॉग्स वैसे तो स्टोरी फिर वैसे और मैंने जो न्यू ऐसे चांस दिया, अपने आप को चांस दिया, सारे न्यू कॉमर्स को चांस दिया, तो फिर दैट्स लाइक अ बिग रिस्क जो हम लोग ने किया। और भाई कुछ हद तक ऐसा मैं कह सकता हूँ कि जहाँ पर डिफिकल्ट काम डिफिकल्ट टास्क था मतलब डिफिकल्ट सीन्स था उसमें हम लोग ने अच्छे से किया, हाँ और डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स था और इजी एस्पेक्ट्स हम लोग ने हम लोग थोड़े बहुत फेल हुए जैसे डबिंग वगैरह। हाँ, मैं उसके बारे में भी आऊंगा, पर पहले तो ये कि जो कास्टिंग थी, एक्चुअली हम लोग फ्रेंड्स फ्रेंड्स मिलके बना रहे थे, मतलब प्रोफेशनल अप्रोच था उसमें, काफी पैसे भी इन्वॉल्व हुए बाद में, पर हम लोग एज अ फ्रेंड, हम लोग की ऐसी पहली फिल्म है, इस तरह हम लोग हम लोग बना रहे थे। एक्चुअली अपने आप को ट्राई सो देना चाहते थे, वही वी वही वांटेड टू वही गिव आवरसेल्स अ तो चांस। वही वही और फिर हम लोग ने फिर तूने बताया था मामी के बारे में भी, तो फिर हाँ। मैं ज्यादा ऑथेंटिक भी चाहता था और मतलब हर शॉट ऑथेंटिक लगे और और अच्छे से बने मतलब। हाँ, पर वहां पे हम लोगों ने गलती कर दी, क्योंकि कभी भी है ना, फिल्म हाँ फिल्म फेस्टिवल्स के लिए पर्टिकुलरली नहीं बनानी चाहिए, ये हम लोग ने बहुत हाँ बड़ी गलती कर दी। फिल्म्स खुद के लिए ये वही एक्चुअली अगर मुझे ऐसा चांस मिलता ना कि एक हालात जो है देव पारिक कट दिखाने का, जैसे जस्टिस लीग में जैक स्नाइडर को चांस पारिक मिला कट। स्नाइडर कट दिखाने का, वैसे ही अगर हाँ मुझे चांस मिलेगा ना देव पारिक कट दिखाने का हाँ जो एक्चुअली है ही नहीं अभी की कट, वो हाँ कम से कम 7 या 8 मिनट जितना लंबा जाता, लंबा जाता मैक्सो अगर मैक्स हाँ मैक्सो मैक्स 8 मिनट जितना शायद लंबा जाता। हर कैरेक्टर्स को अपने अपने इमोशंस भी मिलते, ज्यादा हाँ इमोशंस मिलते, शायद अशरफ के भी कैरेक्टर में ज्यादा इमोशंस आ जाते थोड़ा हम जितना लोग दिखाया बैक गया था। स्टोरी आई थिंक शूट कर सकते थे कि कैसे हुआ वो, या थोड़े विजुअल्स दिखाते थे, या कुछ ऐसा कुछ कर सकते हाँ एक्चुअली हम लोग को कर लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग ने थे। ये हम लोग की गलती थी एक्चुअली, मेन तो मैं अपनी गलती मानता हूँ कि हाँ मेरी गलती थी कि हम लोग ने सोचा यार 5 मिनट जितना लंबा बनाने की कोशिश करते हैं, यार अगर मिलेगा तो फिर माफी में हम लोग डालेंगे, वही और सब सब लोग थक भी गए थे। इनफैक्ट बहुत दिगंत हम लोगों मुझे ने रनिंग नोज भी हुआ था ना तो हाँ थोड़ा बीमार भी था ना तब, स्टिल तो हाँ आया उसके लिए यार, वही दैट्स अ बिग वही थिंग, वही थैंक्स अ लॉट। हाँ, पर कुछ नहीं, बुखार था वो। और दूसरा क्या था ना, कि हम लोग ने बहुत जल्दबाजी में ये सब किया, जो कटिंग किया, मैं लोगों को दिखाता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ तो लोगों को दिखाता हूँ, मेरे फ्रेंड्स को, बेस्ट कोई अच्छे फ्रेंड्स है या मेरे फैमिली मेंबर्स को, तो उन्होंने वही बोला कि बहुत ऐसा फास्ट गया फिल्म ऐसे। तो हम लोगों ने जब हाँ फर्स्ट कट भी किया था उसका, आई थिंक फोर फोर हाँ कट्स किए हम लोगों ने पूरी फिल्म के। हाँ वो काफी फास्ट फास्ट गया था, मतलब सब हाँ कुछ फास्ट पेस हम लोग ने कर दिया था, वही जब से वही इसके फिर लिए ज्यादा टाइम चाहिए था। हाँ यूजुअली क्या होता है एडिटिंग कि जो कन्वर्सेशनल फिल्म्स होते हैं ना मूवीज में, जैसे कन्वर्सेशन होती है वो लोग ज्यादा बोर हो जाते हैं और ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि बहुत स्लो जा रहे हैं यार थोड़ा जल्दी हाँ करो,
हम लोग ने उल्टा दिया एग्जाम, तो ज्यादा ही पास फास्ट पास कर दिया। कर दिया और वो गलती कर दिया। एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए वो था, बहुत दोनों बड़ी का गलती थी। बैलेंस रहना चाहिए था कि एक स्लो भी है, रिएक्शन शॉट्स भी है, देन कटिंग है करेक्ट कन्वर्सेशन करेक्ट के बीच में। हम लोग ने सब बहुत स्वीटली कट करेक्ट। कट 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 करके बहुत ऐसा थोड़ा तो इसलिए ना मामी में हम अनईजी लोग को सबमिट करना था, इसलिए तो हम लोग ने वो शायद। गलती की। वही वही पर मैं पता अगली नहीं बार से मैंने सीख लिया, हाँ और मैंने वही सीख किया लिया यार। अभी नहीं, अभी कोई फिल्म फेस्टिवल्स में भेजने के लिए पर्टिकुलर फिल्म ऐसा नहीं बनाने का, स्टोरी है फिल्म बनाओ। करेक्ट। तो वही वही है। तो दूसरा अभी डबिंग का जो किया, तो ऐसा मतलब क्या हुआ कि डबिंग की जरूरत पड़ी, वो कुशल और जयमिन का आवाज नहीं पसंद आया था क्या मतलब? मैं बहुत ज्यादा ही ऑनेस्टली कहूंगा, मैं हाँ डबिंग कराना ही नहीं चाहता था। इनफैक्ट मैं अभी भी ऐसा लग रहा है डबिंग नहीं कराना चाहता था मैं। क्या कि मेरे डैड ने जब मूवी देखी थी, उन्होंने उनको या लगा कि उसमें ना वॉइसेस काफी इमेच्योर आ रहे हैं, थोड़े बच्चे सेम जैसे आ रहे हैं, मेरे गुजराती पापा ने एक्सेंट भी तक आ रहे हैं सेम पिक्चर बोला, की। सेम बोला हाँ, तो मेरे उन्होंने कहा कि डबिंग कराओ प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट के साथ। मुझे मैं चाहता भी नहीं था, लेकिन जब डैड ने कह दिया, और डैड इनफैक्ट पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार थे, उन्होंने इनफैक्ट कुछ एक्सपेंसेस भी उन्होंने थोड़ा किया डबिंग आर्टिस्ट, और एक स्टूडियो में मतलब मुझे लेके गए डबिंग स्टूडियो में, और डबिंग स्टूडियो में बैठा और मैंने देखा डबिंग मतलब कैसे होता है। हाँ तो उससे मुझे ये बात, ये एडवांटेज हुआ दैट स्टूडियोज में कैसे डबिंग होता है, कैसे सब साउंड मिक्सिंग वो सब होता है प्रोफेशनल तरीके से, वो मुझे सीखने को मिला। सो दैट्स एन एडवांटेज इन दिस। और दूसरा क्या है कि फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मेरे अपने डैड थे जो प्रोड्यूसर फिर बन गए थे हमारे फिल्म के। सो जस्ट इमेजिन जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर्स हो गए मूवीज के, मतलब सारी मूवीज के, वो लोग कैसे ये कर रहे होंगे। और ये सब डायरेक्टर पे भी होता है अपनी बात पे कैसे टिके रहने का। मैं अपनी बात पे टिके नहीं रहा और मानना पड़ा मुझे, तो भाई उस बारे में दैट वाज अ मिस्टेक राइट मुझे अपनी खुद की। मतलब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपने अपने ओपिनियन डालते हैं, कभी कभार ऐसे फोर्स भी करा देते हैं, अपने हाँ तरीका निकाल भी देते हैं। दे आर बिजनेसमैन फॉर अ रीजन, दे आर बिजनेस लोगों को, हम लोगों का बिजनेस होता है ना उनको अपना वही बात कैसे निकालना रहेगा दूसरों से। हाँ सो हाँ जो हम लोग पैसे को अपनी डाले बात में वो स्टबर्न रहना उन्हें चाहिए। वापस कैसे चाहिए बस वही। पर मतलब वही है कि गलती से हम लोग बहुत सीखे हैं, और हाँ मतलब सही, देखो फेल तो हम लोग गलती नहीं हुए ऐसा ऐसी कोई। तो अच्छी स्टोरी वही बनती है, हाँ मिस्टेक्स एक्चुअली मेक गुड सही स्टोरीज। है। और मैं मानता हूँ कि हम लोग फेल नहीं हुए, मतलब हालात फेलियर नहीं थी। ऑफ कोर्स ये बहुत ही अच्छी बस फिल्म बनी है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और डायलॉग्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। हाँ, बहुत लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया था हालात के लिए। कुछ लोग को मैंने जब दिखा तो वो लोग थोड़े बहुत डर भी गए थे, मतलब ऐसे क्यों ज्यादा बात भी नहीं कर रहे थे। लगा कि काफी, किसी ने बोला भी, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि बहुत ज्यादा ही डार्क फिल्म थी, लेकिन वो लोग को अच्छी लगी थी। कुछ लोगों को दिखाया वो लोग को अच्छी लगी, कुछ लोगों ने बोला काफी डार्क भी थी लेकिन अच्छी थी, और ज्यादा उसके बारे में बात नहीं कर पा रहे थे। कंपेयर टू अगर अभी बाकी जो काम किया था, जैसे मेरे कॉलेज में या फिर द हाँ नाइट हम लोग ने किया था, भाई वो लोग से हालात पूरा अलग था। भाई भाई द नाइट इनफैक्ट हालात से थोड़ा बहुत था, लेकिन वो कॉन्ट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं था, ये हाँ काफी हद तक था डार्क थी वो कॉन्ट्रोवर्शियल। फिल्म, द नाइट डार्क थी पर द नाइट डार्क मतलब थी लेकिन कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं भाई थी, भाई और मैसेज अच्छे से दिया था हाँ इसमें। तो मतलब मैसेज भी अच्छे से दिया, लेकिन काफी ऐसे टॉपिक पे दिया था जिससे हम बात भी ना करेंगे लोग, ऐसा था। सो दैट्स द थिंग। अरे हाँ, बाकी जो अभी तक हम लोग ने काम किया था, जैसे अपना वाइस के साथ जो भी मैंने मतलब अभी काम किया था, जैसे वो अबैंडन गॉन रॉन्ग, जिसमें हाँ दिखाते हैं एज एन ये एडिटर एज अ मेजर एक्टर तरीके से काम किया था। हाँ और फिर या फिर मेरे कॉलेज में जो थी हालत इज कम्प्लीटली डिपार्चर, और हालत एक्चुअली मेरे जोन में था, जो हाँ बाकी कॉमिक स्केचेस वीडियोस था वो मेरे जोन में बिल्कुल नहीं था। राइट आई राइट एम मोर वो इनटू डार्क काइंड ऑफ सिनेमा। और ये मेरे कॉलेज में को भी अच्छा मतलब सक्सेस मिला, लोगों ने 5,000 व्यूज अच्छा है। पर ऑलमोस्ट वही है कि मिट्टी भाई कभी सपोर्ट नहीं करती लोगों को, मतलब ये है फिल्म वो बात तो सोसाइटी है। है, फिल्म सोसाइटी है, और फिल्म सोसाइटी के लोगों को ही ना लोकेशन दी जा रही है कॉलेज के अंदर शूट करने के लिए, ना परमिशन दी जा रही है, तो वही वो सब यार बुरा तो लगा यार उस बात का। भाई। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है हालात और मेरे कॉलेज में के बारे में। सिचुएशन हमारा भी ऐसा आ गया था, पहले हम लोग ने हालात शूट किया था, फिर उसमें से बंद कर दिया, मेरे कॉलेज में शूट कर रहे थे वो भी बीच में से बंद कर दिया। फिर हाँ ऐसा सिचुएशन था हमारे लाइफ में कि हालात करे या मेरे कॉलेज में, मैंने बोल दिया कि चल हालात हम लोग पहले करते हालात हैं। पहले कर तो एक बार दिए हालात सब कुछ खत्म हुआ, उसके बाद जाके हम लोग ने मेरे कॉलेज में की राइट शूटिंग वापस चालू किया, और फिर उसे अपलोड किया जल्दी से जल्द। हाँ और पर किया तो फिर मतलब मेरे कॉलेज में एक रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छे से भी आया था हालात से, अगर कंपेयर किया था तो फिर उस बात का मुझे बुरा लगा। इनफैक्ट ऑनेस्टली हाँ बोलूं तो फिर पर हालात का मेन प्रॉब्लम होता लोकेशन ढूंढना, मतलब
लोकेशन स्काउटिंग कैसे किया दे, मतलब पहले तो हम लोगों लोकेशन में ने यार, मतलब लोकेशन में क्या था यार कि लोकेशन ऐसे चाहिए था, लोकेशन कैसा चाहिए था, एक कमरा हो उसमें मतलब कुछ ना हो, सिर्फ एक छोटा सा मतलब ऐसे टेबल टाइप हो और एक छोटा सा लाइट हो जिसमें मतलब एक थोड़ी एक बहुत लाइट लाइटनेस सोर्स, हाँ लाइट आए। एक लाइट सोर्स। हाँ, और जहां पर मतलब से दो लोग आप बात करो और ऐसा लगे कि ये जगह काफी सिक्योर्ड है, आसपास कोई आ ही नहीं सकता, ताकि खाले दुधर ही ऐसे ही रहते रहते भूखा प्यासा मर खून भी जाए। बहता हुआ वैसे ही मर जाए फिर उधर ही। सो वैसे जगह मुझे चाहिए था, मैंने मतलब एक गैर अगर रियल लाइफ में अगर बोला जाए तो फिर एक गैरेज टाइप जगह चाहिए था जो पूरा खाली हो जिसमें गाड़ी भी ना हो। तो बहुत जगह पे लकीली मतलब ऐसे बात देखा कुछ डार्क हाँ प्लेस में, लास्ट रूम पे मिल भी गया था लेकिन कुछ रीजन की वजह से फिर नहीं मिल पाया था वो हाँ जगह भी। तो फाइनली मेरे चाचा चाची ने मेरी हेल्प की थी, उनके फ्रेंड उनके दोस्त के बंगलों में जाके हम लोग ने फिर हाँ वो बंगलों के गैराज में लकीली जाके, गैरेज ही था वो, तो हाँ बंगलों ये के मस्त गैराज में जाके कोइंसिडेंस। जो शो किया था। सो उनके लिए तो ऑब्वियसली मैं जितना थैंक यू बोलूँ उतना ही कम पड़ेगा। और हम लोग ने आई सो वो थिंक जगह जो मिला लोकेशन अच्छे से जैसे मिला सर। देखी उसी दिन आई थिंक स्टार्ट कर दिया था ना शूटिंग, जिस दिन हाँ, जैसे लोकेशन लोकेशन हम लोग देखी को मिला उसी दिन हम लोग ने स्टार्ट स्टार्ट कर कर दिया दिया था। था, वो जगह ही तो थी, जगह हाँ बराबर थी, हाँ परफेक्ट, वही इसलिए करना पड़ा तो स्टार्ट। मैं मेंशन करूंगा ये ज़ैनब नज़मी और जीनल तन्ना, जिनल जो तना जो थैंक्स दो असिस्टेंट डायरेक्टर्स थी, वो दोनों फीमेल असिस्टेंट उस डे डायरेक्टर्स, उन लोग ने हमारी तो हेल्प किया था, वही वही असिस्ट असिस्ट किया था हमें फिल्म हाँ बनाने में। सो हाँ थैंक्स अलॉट भाई गाइस, भाई। थैंक्स अलॉट तो फॉर यू ऑल आल्सो। फिल्म अगर जल्दी हाँ खत्म कर पाए फिर हम मतलब लोग। कंटिन्यूटी शीट मेंटेन की उन लोगों ने, लाइटिंग संभाला तो इम्पोर्टेंट था तो भाई। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था उसके लिए। फिर उससे उसी दिन मुझे रियलाइज हुआ कि असिस्टेंट डायरेक्टर्स का भी मतलब कितना इम्पोर्टेंट काम होता है, या हाउ हेल्पफुल दे ऑल आर। राइट राइट तो थैंक्स फॉर मेकिंग मी रियलाइज दैट। और ये हम लोग ने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन भी यूज की है, क्योंकि खालिद जब दरवाजा खोलता है हाँ, तो कहा था कि खाले नहीं, पीछे कश्मीर अशरफ, कैसे दिखाए, सॉरी अशरफ। सॉरी अशरफ अशरफ सॉरी हाँ, जो मतलब राइट कश्मीर कश्मीर के लिए तो मुझे इम्पोर्टेंट चाहिए था ग्रीन स्क्रीन की जरूरत हो, एक छोटा सा मतलब बैकग्राउंड टाइप, राइट ताकि ऐसा लगे कि हम लोग ऐसा लगे, ऐसा भी नहीं ऐसा लगे कि यार कश्मीर में लोकेशन हाँ है पूरा। एक एक चिल्ड तो प्लेस है इसलिए बाहर। जो चिल प्लेस भी है और साथ में मतलब लोकेशन का आइडिया तो आया कि किस कौन से जगह पे, जो एक्चुअली हालात का ओरिजिनल टाइटल पहले कश्मीर था, उसके बाद जाके हाँ देश में हुआ था हाँ और फाइनली हालात फॉर टाइटल आया था, ऐसा था। एक्चुअली हालात अच्छा टाइटल है, क्योंकि लास्ट में डायलॉग भी है ना कि हालात इंसान को हाल वो बनाते एक्चुअली हैं। बाद में फिर जब हम लोग ने वापस फाइनली जो ऑफिशियल शूट हम लोग ने चालू किया ना, उससे पहले ये टाइटल मैंने डाल दिया था, इसका नाम हम लोग हालात रखते हैं, ओके उससे पहले ये फाइनल डायलॉग की वजह से मीन। तो और सिचुएशन देख के भी अगर मैंने एनालाइज किया तो पता चला इसका टाइटल हालात ही बेस्ट है, हाँ इसलिए हालात। और वही कि मतलब जब ग्रीन स्क्रीन का शूट कर रहे थे तभी वो एक्चुअली असिस्टेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो हम लोग ने ये खालिद का ही था तो जैमिन से पकड़वा लिया था ग्रीन स्क्रीन। और अच्छा, वही सॉरी मेरा वही कब से प्रॉब्लम हो मतलब रहा चलो हम लोग एक्टर्स का है। नाम लेते हैं, कैरेक्टर्स का नाम लेते हैं, कल थोड़ा सॉरी बहुत सॉरी कंफ्यूज हो हाँ, जाना, तो जैमिन से एक्टर्स का पकड़ा नाम लिया लेते। था और अशरफ जो है उसका सीन था एंटर होने का, तो वही तो काफी मतलब मस्त हुआ, वो अच्छे से हो गया। तो तभी मैं सीख ही रहा था ये सब एडिटिंग एंड VFX का बेसिक्स, तो मतलब बहुत ही मतलब बेकार मतलब है। एक एक शॉट आई थिंक दो शॉट्स तो बहुत ग्रेनी है पीछे में, वो जो कश्मीर का बैकग्राउंड हम लोगों ने लिया वो तो बस वही था। पर ये एक लेसन है कि अगर आपको लोकेशन नहीं मिल रही है तो आप ग्रीन स्क्रीन पे भी कुछ ना कुछ छोटा सा करके आप कर सकते हैं। तो और ग्रीन स्क्रीन बहुत सस्ती रहती है, 12x18 मीटर्स का, सॉरी सॉरी फीट फीट 12x18 फीट का कपड़ा जो है वो 400 रुपये में मिलता है, तो बहुत ही सस्ता है ये सब। और अभी तो एक्सेसिबल हो गया ये सब, मतलब ये एडिटिंग और ये सब जानना कि कैसे होता है तो कोई भी कर सकता है। तो मैं वही रेकमेंड करूँगा कि अगर कुछ है ऐसा कि जिसमें कश्मीर दिखाना है या कुछ अलग दिखाना है कोई लोकेशन, तो ग्रीन स्क्रीन का यूज़ भी कर सकते हैं लोग। सिंचौड़ी तो है कि अगर रास्ता मिलेगा नहीं तो अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ेगा, भाई भाई ये तो मतलब हर जगह पे राइट ये काम में आता है। राइट सो यार फिर मे भी है मतलब क्वेश्चन है बहुत सारे, हाँ जैसे कि हाँ
देखा जो तूने मतलब जब कैरेक्टर्स तूने एक बार पढ़ा था ये खालिद और अशरफ के बारे में, तो वो लोग तो कैरेक्टर्स को सोच के फिर ऐसे इस लाइटिंग वो लोग पे डाला कैसे था, मतलब लाइटिंग का कैरेक्टर्स से क्या लेना देना होता है मतलब। राइट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बहुत सारी फिल्म्स देखता हूँ और मैंने स्पेशली इंटरोगेशन सीन्स जो रहते हैं ना वो देखे बहुत सारी फिल्म्स के। तो ये जो मुझे इसमें लगा कि दोनों ही कैरेक्टर्स है ना, पहले तो इग्नोरेंट है एक दूसरे के बारे में। वो जानता है कि ओके ये टेररिस्ट है, ये अफसर है आर्मी का, पर दोनों एक दूसरे के करतूत के बारे में नहीं जानते कि मतलब वो दोनों क्या किया है काम, या वो दोनों मतलब किस लेवल पे जा सकते एक दूसरे को समझने के लिए। तो मुझे ऐसा हो कि दोनों ही काफी अंधेरे में हो ऐसा दिखाना था। तो पहले तो तूने कहा था कि काफी डार्क रूम है और एक लाइट सोर्स है, तो वो एक लाइट सोर्स क्या रहेगा करके। तो बहुत सारे इंटरोगेशन सीन्स में मैंने देखा है कि एक एक स्टैंड पर एक लाइट रहती है, एक जो हम लोग यूजुअली लैंप्स जो यूज करते हैं, टंगस्टन बल्ब के जो लैंप्स रहते हैं तो वो यूज करते हैं। तो ये जो अभी जो लाइट आ रही है वो सिमिलर यही लाइट यूज की है हम लोगों ने स्टैंड पे। तो वही एक्चुअली एक शॉट में दिखाई भी है कि ओके ये लाइट सोर्स है करके। तो मेरा ये था ना कि कैरेक्टर्स को काफी अंधेरे में दिखाना है, डार्क रूम है और एक लाइट सोर्स है। तो मैंने क्या किया कि जो खालिद का कैरेक्टर है वो काफी डार्क है, टेररिस्ट है, तो मैंने उसके ऊपर काफी डार्क लाइट की, और मतलब उसकी आंखें भी है ना नजर नहीं आएगी, मतलब एक साइड लाइट है तो दूसरी साइड की आंखें भी नजर नहीं आ रही, स्प्लिट बस स्क्रीन टाइम, स्प्लिट लाइट टाइम। स्प्लिट लाइटिंग की थी मैंने, हाई कॉन्ट्रास्ट था काफी। और जो ये अशरफ का कैरेक्टर है ना, तो वो काफी प्योर कैरेक्टर है, वो मतलब वो आर्मी मैन है। तो उसके ऊपर मैंने एक रेम्ब्रेंट डच पेंटर था, एक डच पेंटर थे वो रेम्ब्रेंट। तो मैं एक्चुअली है ना, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरह का ये है लाइटिंग, एक सेटअप है। तो ये फोटोशॉप में दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? हाँ हाँ ओके हाँ तो ये जो है वो आई थिंक स्टार्टिंग का ये शॉट है, जब ये खालिद नीचे देख रहा है और तब अशरफ एंटर नहीं हुआ है। तो इस पे देखेंगे तो ये यहाँ पे पूरा ब्लैक, ये हमें आँख दिखाई नहीं दे रही है, हल्की सी आँख में रोशनी यहाँ पर आँख हाँ दिखाई नहीं दे रही है। तो काफी अंधेरा है और काफी अंधेरे में ये कैरेक्टर, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और तभी एक्चुअली देव आई थिंक तूने मुझे रेफरेंस दिया था एक शॉट का, जहाँ पे पूरा पीछे बैकलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफी वाइट बैकलाइट है और कैरेक्टर पूरा अंधेरे हाँ में, तो मतलब जो अंदर बैठे हाँ उसे दिखेगा ही नहीं कि ये कौन आ रहा है करके, मतलब रिवील करने के लिए। तो ये ऐसा एक शॉट मैंने लाने की कोशिश की। और पीछे देखेंगे तो ये कश्मीर का हल्का हल्का जो स्नो का ट्रीज है वो दिखेगा। तो ये ऐसा ही था कि पीछे से हैवी बैकलाइट आ रही है और ये अशरफ का जो कैरेक्टर है वो पूरा डार्क है और रिवील नहीं हुआ है अब तक कि वो कौन है करके। और कपड़े अभी ये इसके मैं बात कर रहा हूँ कि ये रेम्ब्रेंट जो हाँ डच पेंटर थे ना, तो यहाँ पे दिखेगा कि हाँ लाइट का एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ये लाइट का ट्राइंगल जो बनता था ना, उसे रेम्ब्रेंट जो डच पेंटर थे ना, वो अपनी पेंटिंग्स में ऐसा करते थे कि शेडो जहाँ पे है ना वो पूरा शेडो नहीं रहता था, पर यहाँ पे एक ट्राइंगल रहता था। तो ये जो ट्राइंगल है वो मैंने लाने की ट्राई की पर आंख नहीं दिखी, तो ये मिस्टेक है। पर इस तरह मतलब खालिद पे पूरा स्प्लिट लाइटिंग है और अशरफ पे थोड़ा हल्का सा यहाँ पर लाइट है करके। तो बस वही था कि दोनों के कैरेक्टर्स को समझ के मैंने उन लोग पे अलग अलग लाइटिंग दी, और वही और वो एक ही लाइट सोर्स से। तो वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टास्क था कि एक लाइट सोर्स से हम लोग ने दोनों पे अलग अलग लाइटिंग टेक्निक यूज की। ओके और ये पीछे हम लोग ने याद है वो और फिर याद है ब्लैंकेट, हम लोग ने वो कपड़ा हाँ भी पीछे डाल हाँ दिया वही था कपड़ा भाई, यहाँ पे ऐसा वही। मतलब तो वो एक्चुअली हम हाँ लोग को पूरी तरह से डार्क करना चाहिए था, ज्यादा मतलब तो दिखाना नहीं चाहिए था आई थिंक, तो हाँ वो एक छोटी एक्चुअली सी एक और मिस्टेक थी। वही वही और जो मतलब
और ये जो सिनेमाटोग्राफी का जो मतलब ये था तेरा मतलब तुझे जो सिनेमाटोग्राफर तरीके से बनना था, पहले हाँ तुझे पहले एक्टर बनना था, तूने बीच में बताया था कि पहले हाँ स्टार्टिंग में तू एक्टर बनना चाहता था, तो हाँ सीधा एक्टिंग से सिनेमाटोग्राफी में ट्रांजिशन कैसे हो गया? एक्चुअली मैं फुल फ्लेज ऐसा एक्टिंग नहीं करना चाहता था फिल्म्स में, पर मैं हाँ प्लेज में बहुत इंटरेस्टेड था। थिएटर में करता था बचपन से। फोर्थ स्टैंडर्ड में मैंने फर्स्ट प्ले किया था, एक चिल्ड्रंस प्ले था। अशोक पावस्कर सर है, एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है मराठी थिएटर के, मराठी टीवी सीरियल्स के। तो उनके थिएटर ग्रुप के साथ मैं था। तो बचपन में बहुत ऐसा एक हम लोग एक मजा आता है कि एक मतलब नई नई चीजें हम लोग सीखते हैं, बाहर जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, एक कुछ नया कुछ कर रहे हैं। जो मतलब लोग, मैं देखता था कि लोग नीचे खेल रहे क्रिकेट, और ये सबसे अलग था ये कुछ मतलब एक्टिंग करना, और मुझे बहुत मजा आ रहा था। तो मुझे मराठी तो इतनी आती नहीं थी, तो सर बोलते थे कि हिंदी में बोलो चलेगा करके। तो इस तरह मुझे इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे। फिर स्कूल में कॉम्पिटिशन होती थी हर साल। मणिभवन जो एक प्लेस है ग्रांट रोड में, गांधी जी के ऊपर, गांधी जी का एक स्मारक है वो। तो उनका एक कंपटीशन होता था कि गांधी, महात्मा गांधी जो थे, उनके लाइफ के ऊपर कुछ ना कुछ प्ले लेकर आए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली स्कूल में कि मुझे नेहरू बनाया। तो हम लोग ये जो गांधी फिल्म है रिचर्ड एटनबरो की, तो उनसे भी काफी मतलब इंस्पिरेशन लेते थे, स्क्रिप्ट समझते थे, लिखते थे खुद, और देन कैरेक्टर्स प्ले करते थे। तभी इतना नॉलेज नहीं था कि कितना डार्क है ये पॉलिटिक्स, और कितनी मतलब सब्जेक्टिविटी है हिस्ट्री में भी। मॉडर्न हिस्ट्री भी कितनी मतलब अलग है, अजीब है। तो वो सब पता नहीं था, पर मजा आती थी। और देन कॉलेज में भी प्लेज करते थे हम लोग कॉलेज फेस्टिवल्स में। तो तभी थोड़ा ऐसा था कि थिएटर में आई थिंक मैं कर सकता हूँ एक्टिंग। पर देन हुआ ये कि मैं फिल्म्स देखता था, और जब FI में, मिठीबाई फिल्म सोसाइटी में मैं आया, तो जो मैम थी, दीक्षा चमोला मैम थी, उन्होंने स्टार्ट की थी वो फिल्म सोसाइटी। तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ ये देखकर कि मतलब फिल्म्स में सिर्फ एक्टर्स या सिर्फ डायरेक्टर या सिर्फ स्क्रीन प्ले नहीं रहता। मुझे इतना पता था कि ओके, स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर डायरेक्टर्स पढ़ते हैं, फिर वो एक्टर को बोलते हैं कि ऐसा करना है करके। ऐसा नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि सिनेमाटोग्राफी मतलब शॉट मिड होना चाहिए, क्लोजअप होना चाहिए, या उस हिसाब से कैरेक्टर्स के ऊपर असर पड़ता है, या कलर पैलेट। तो वो सब हम लोग को उन्होंने सिखाया था। मैं उनका नाम भूल गया, सत्यांशु सिंह जो है, उड़ान उड़ान फिल्म के जो स्क्रीन प्ले राइटर है। हाँ तो हाँ सत्यांशु सिंह वो आए थे फिल्म सोसाइटी में, और उन्होंने सब एक्चुअली सिखाना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से। जो शॉट्स है, अलग अलग कलर पैलेट है, एडिटिंग कैसे होती है, प्रोसेस क्या है फिल्म मेकिंग की। तो तब मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि ओके, एक मतलब, और मेनली BMM में आके मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया सिनेमाटोग्राफी में। क्योंकि मैं फ़ोन से तो करता ही था, और फोटोग्राफी और वो सब। और देन मेरे जो अंकल है सौरभ चटर्जी, वो इंटरनेशनल अवार्ड विनर, अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर है, और उनकी इंस्टीट्यूट है। तो मैं वहाँ पे कोर्स करने गया, फोटोग्राफी का एक वर्कशॉप था। तो उसमें और सीखने को मिला, और इंटरेस्ट आया कि ओके, कंपोजिशन से क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, कितना इम्पैक्ट ला सकते हैं। और फिर SY में तो मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट किया कैमरा मुझे, तो वो तो मतलब लाइफ चेंजिंग था। और बाद में हम लोग ने कॉलेज प्रोजेक्ट्स शूट किए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, देन शॉर्ट फिल्म्स जो यूजुअली बनाते थे। और आई थिंक SY में हम लोग मिले, और हम लोग हाँ, ने जब हाँ तो ऐसा में था मैं FI में था। हाँ तब हम लोग मिले, और वही मतलब, और मैंने म्यूजिक वीडियोस भी शूट करना स्टार्ट किया मैं। ये तो एक्चुअली अभी की बात है, पर ये तो ये ना ये सपने और मेरी सपने कॉलेज सपने राज के सप, साथ हो गया। हाँ, ये पहला म्यूजिक वीडियो था। तो मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट फिल्म्स देखकर आया, मैं स्टडी करना स्टार्ट किया यूट्यूब से,
और एक्चुअली यूट्यूब बहुत अच्छा मीडियम है सीखने के लिए, अगर अच्छे से यूज करो तो बहुत वहाँ से सीखने को मिला, वहाँ से इंस्पिरेशन मिली। फिर मैं पढ़ता था लोगों के बारे में, देन इंटरव्यूज देखता था सिनेमाटोग्राफर्स डायरेक्टर्स के, कि कितना इम्पैक्ट ला सकते हैं हम लोग सिनेमाटोग्राफी से। तो धीरे धीरे वो ट्रांजिशन आ गया, क्योंकि एक्टिंग ठीक है, ओके थोड़ा नॉलेज ठीक है, ओके स्क्रीन पे राइटिंग का थोड़ा नॉलेज ठीक है, पर सिनेमाटोग्राफी, क्योंकि अल्फोंसो क्यूरोन ने जो कहा है कि जब फिल्म्स में ना तो एक्टिंग थी, ना तो कुछ डायलॉग्स थे, ना साउंड था, कुछ नहीं था, तब सिनेमेटोग्राफी थी। तो ये बहुत ही इम्पैक्ट लाया। और चार्ली चैपलिन की फिल्म्स देखे तो मतलब साउंड्स के बिना एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी से क्या कुछ किया है, वर्ल्ड चेंज कर दिया। तो बहुत इंस्पिरेशन मिली वहाँ से। ऑलमोस्ट हम लोग, हमारी स्टोरी मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर थी, मतलब जैसे हम लोग कैसे चालू करते थे और फिर कैसे आए फिल्म्स में। तो हम लोग का मतलब काफी हद तक शौक था ही। जैसे बीच में मुझे इसका भी बीच में क्या है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ऐसा था कि मुझे ना मन करता था क्रिकेटर बन जाओ, लेकिन वो क्रिकेट देखूं, हाँ एक्चुअली मेरा ये था शौक। तो क्रिकेटर फिर इसलिए मैं स्टोरीज उस पर लिखने लग गया था कि देख पानेगा क्रिकेटर बना है फिर कैसे बनेगा, बीच में ये स्टोरीज में मैं लिखता था ऑनेस्टली। और मेरे बारे में तो इसलिए फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं क्रिकेट का फैन था मैं बहुत बड़ा, लेकिन मैं बनना नहीं चाहता था। मैं तो ऐसे ही इसलिए था क्योंकि फैसिनेशन था मुझे, एक पैशन था क्रिकेट के। एक पैशन था मुझे और ये सब मैं लिखता था ना, वो ऐसे बिलीवेबल भी था कुछ हद तक। मैं अपने आप मैं खुद बिलीव करता था कि हाँ यार स्टोरीज अच्छे, मैं बिलीव करा सकता हूँ लोगों को। तो अपनी मतलब काम के जरिए अभी लोगों को बिलीव कराओ यार, या अगर आप जो नहीं बन रहे हो वो आप बन सकते हो अपने कार्यों के जरिए, अपनी खुद की दुनिया बनाओ, उसमें जाके अपने लिखो कि यार हम लोग ऐसे करे हो, और साथ साथ में अपनी असली दुनिया में भी जियो, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी दुनिया में रहो ना। तो ऐसे जरिए मुझे मतलब लोगों मतलब मुझे ऐसे राइटिंग का शौक आया, और मैं डायरेक्टर इसलिए बन रहा हूँ मेन तो कि मुझे अपनी स्टोरीज ये अलावा मैं वो जानना स्टोरीज, चाह रहा और था कि मुझे लग रहा है डायरेक्शन कि का कैसे आया वही। ऑनेस्टली को तो फिर मुझे राइटिंग का इतना शौक है ना कि मैं चाहता हूँ कि स्टोरीज जो भी अगर मैं बना रहा हूँ ना तो फिर वो मैं ही बनाऊँ, मतलब स्टोरी जो मैं लिख रहा हूँ वो ही अगर मुझे स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं ही प्रेजेंट करूंगा। इसलिए मैं राइटर के साथ साथ डायरेक्टर भी बना, शायद मैं अगर डायरेक्शन डायरेक्टर बनू ना बनू लेकिन मैं राइटर डेफिनेटली, लेकिन मैं राइटिंग कभी छोड़ने नहीं वाला हूँ। सो माई मेरा मेन पैशन जो है वो राइटिंग है, अपनी स्टोरीज बनाना, कैरेक्टर्स बनाना, कभी अपनी दुनिया में रहो, कभी असली दुनिया को भी देखो और लोगों को जानो पहचानो, और ये सब के जरिए मैं अपने अपने आंखों के जरिए मैं अपने तब दुनिया देखता था, तो वही मैं अपने दुनिया में डालता था। और अभी अपने आईज को कैमरा में बनाओ और वही दुनिया को भी दिखाओ जो हम लोग दिखा रहे हैं। सो दैट्स हाउ डायरेक्शन का मतलब मुझे अभी आने लग गया। और अभी मुझे पहले तो मैंने जो मैंने कुछ 5 साल पहले अपने मोबाइल फोन पे एक फिल्म बनाई थी शैडोज करके, जो बहुत ज्यादा ही खराब थी, वो बात अलग है, बहुत ज्यादा ही वो खराब। मैंने वो फिल्म, एक फिल्म अपने मिठी भाई कॉलेज का एक लिट फेस्ट, आई थिंक लिट फेस्ट हुआ था, उसमें स्क्रीन की थी। तो मुझे पता नहीं था कि वो तूने बनाएंगे करके, और हम लोग मैं तभी और ये था मैं सोच रहा हूँ कि मिठी ये फिल्म कॉलेज, आई मैंने थिंक कैसे क्या सोच के मैंने ये फिल्म मैंने फेस्टिवल में डाली थी, मैंने वही। सबमिट करवाई और फिर कंसिडर किया, क्या सोच के मैंने डाला था। अभी मैं सोच रहा हूँ मुझे अपना सर धोने का मन तो कर रहा है, सेम, क्या यार तो लोगों ने देख वही लिया। वही फिल्म फेस्टिवल में मैंने एक फिल्म डालने की कोशिश की थी वाटर कंजर्वेशन के ऊपर। तो मुझे उसमें सपना आता है कि पानी खत्म हो गया करके, और देन मैं ये पानी खत्म हो गया करके ऐसे सपना आ रहा है, टप 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 आवाज आता है कुछ करके, एंड देन टप टप आवाज आता है, और मुझे ऐसा सपना आ रहा है कि मेरे नाक से है ना खून बह रहा है करके, उसका टप टप आवाज आ रहा है। मैं अचानक उठ जाता हूँ, हाँ देखता हूँ कि खून नहीं आ रहा है करके, ओके सपना था करके, हाँ एंड देन मैं देखता हूँ कि टप टप आवाज अभी भी आ रहा है करके, ये कहाँ से आ रहा है टप टप आवाज। मैं उठता हूँ और देखता हूँ कि मेरा और नल पानी नल का चालू रहता है करके। नल तो उतना और मैंने बनाने की कोशिश की वो फिल्म, और वो वीवा वीडियो एडिटर रहता था उसके ऊपर एडिट करता हाँ था, मैं हाँ फोन पे शूट किया और वो एडिट ही नहीं हो पाई, वो सबमिट ही नहीं कर पाया। तो वहां पे तो पर मैं देखने आया हूँ फिल्म और फेस्टिवल, और तभी शेडोज देखी मैंने, और मुझे पता ही नहीं था कि वो तूने डायरेक्ट की थी करके।
मैं भी अभी जाना भी नहीं चाहता कि मैंने वो फिल्म हाँ डायरेक्ट किया था या नहीं, मैं भी कुछ जानना नहीं चाहता, एक्चुअली बहुत ज्यादा ही गंदी बनी थी। तो 4 साल तक मैंने मतलब स्टोरीज तो लिखते रहा, लेकिन मैंने एक भी फिल्म डायरेक्ट किया नहीं था। जो पहला मैंने डायरेक्ट किया था वो एक स्केच कॉमेडी वीडियो था, ओके वो वैलेंटाइन गॉन रॉन्ग, उसके बाद जाके वही 4 साल के बाद जाके मैंने किया था। ये जो अभी किया वो वैलेंटाइन गॉन रॉन्ग। हाँ वो जो लास्ट ईयर किया था ना, ओके जिसमें तूने एक्टिंग भी की थी और हाँ एडिट भी तूने अच्छा किया था, वही वो मेरी मतलब पहली फिल्म थी। हाँ वो शैडोज के बाद तो अच्छा मेरी पहली स्केच वीडियो थी। ओके और ये जो मेरे लिए वो काफी डिफिकल्ट टास्क भी था, मेरे कॉलेज में तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन हालात मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगा, लेकिन ज्यादा पैशनेट भी, लेकिन मुझे हालात की तरफ ज्यादा मतलब ऐसे थी, हम लोग फीलिंग्स ज्यादा थी और एक्चुअली पैशन ज्यादा वही था। बहुत पैशनेट हो गए थे क्योंकि स्टोरी वैसी थी और बहुत मजा आने स्टोरी भी वाला थी था। और हाँ हाँ इनफैक्ट वो मेरे जोन में भी था, मतलब हाँ काफी डार्क किस्म की जो मूवीज होती है ज्यादा, मैं वैसा टाइप का हूँ एक जो रियलिज्म डार्क मूवीज और डार्क स्टोरीज लिखता हूँ, नहीं और फनी तो मैं बिल्कुल हूँ नहीं रियल लाइफ में, यार सच को तो सर मैं ज्यादा फनी इंसान हूँ ही नहीं। तो ह्यूमर ह्यूमर बनाना, ह्यूमरस चीज बनाना, मतलब कॉमिक्स वीडियोस टाइप बनाना, वो मैं मेरे लिए बहुत पूरा ही डिफिकल्ट काम है। मेरा पूरा उल्टा है। मैं एक्चुअली जैसे कि कहा एक्टर बनना था, एक्चुअली मुझे बीच में मैं जब 10th में था, 11th 12th 10th 11th 12th जब था, तो तब मुझे पता नहीं पागलपन था कि मैं राइटर बन सकता हूँ करके। तो मैं अपने राइटर इन द सेंस नॉवेलिस्ट या स्टोरी राइटिंग करके, तो तभी मैं गुजराती में मेरी मदर टंग में स्टोरीज लिखता था। ये सब सेट्रिकल स्टोरीज है, सब पागल जैसी स्टोरीज है। तो कोई ऐसा मतलब कोई पढ़ेगा तो ऐसा बोलेगा ये क्या पागल जैसा लिखा है। मतलब मैंने मच्छर्स के कैरेक्टर्स लिए भाई या कुछ पागलपन ही नहीं लगा वही, मतलब मुझे, पागलपन बिल्कुल नहीं ऐसा मुझे भी लगा नहीं लगता था पर लोगों को लगता था। तो था। मैं मतलब सुनता नहीं था एंड देन लोग अप्रिशिएट करते थे मतलब कि अच्छा है सेट्रिकल है, तो देन कॉन्फिडेंस बढ़ा। पर देन पता चला कि ये राइटिंग है, इसमें इतना मतलब उसमें हॉबी ठीक है, एज अ हॉबी ठीक है, बट एज अ करियर राइटिंग बहुत ही अनस्टेबल फील्ड है। फिल्म में क्या है कि मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है और राइटिंग में बहुत रीडिंग भी चाहिए, मेरा रीडिंग बहुत कम है। मैं True. वही वही वहाँ पे बात आके अटक जाती है। मेरा भी इनफैक्ट काफी कम है, और अभी भी मुझे मतलब लोग बोल रहे हैं कि शायद राइटिंग बहुत अनस्टेबल है, अगर तू अच्छा राइटर भी बनेगा तो फिर चांसेस नहीं है कि तू यार मतलब तेरा ज्यादा नाम होगा, ज्यादा वही पैसे कमा पाऊंगा, या वही फिर कोई ऐसा ऐसा मिलेगी ज्यादा। मुझे कई लोगों ने ये बोला भी है, लेकिन मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ अभी। तो मैं मतलब अपने पैशन, ये अभी राइटिंग तो एज अ पैशन तरीके से कर रहा हूँ, और डायरेक्टर में और डायरेक्शन में भी मैं जा रहा हूँ, और साइड बाय साइड में थोड़ी बहुत मतलब एडिटिंग भी कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कभी कभार कर लेता हूँ, और मतलब ये सब ना बाकी साइड बाय साइड जो कर रहा हूँ, राइटिंग और डायरेक्शन छोड़ के, मतलब बाकी जो भी करूंगा ना, अगर मैं कुछ भी ऐसी फिल्म है तो मेन तो पैसे कमाने के लिए करूंगा, मैं थोड़ा मनी माइंडेड टाइप का इंसान भी हूँ, लेकिन अपने पैशन को मैं कभी छोड़ने नहीं वाला हूँ। हाँ ऑफ कोर्स और सही जो सही अगर अगर कुछ भी काम अगर मैं अच्छे से करना चाहूंगा, तो फिर मैं कुछ भी हो जाए अच्छे से करके ही रहूंगा। तो और और सबसे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट बात है यह है कि मैं क्या सिनेमाटोग्राफी रिलेटेड और क्वेश्चंस है क्या? हाँ मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है यार दिमाग में, पता नहीं अभी अच्छा मतलब कैसे बोलूंगा। हाँ मतलब मैं हाँ और एक एक मैं ना लाइटिंग से ना एक्चुअली कैरेक्टर्स में ट्रांजिशन भी लाया। अभी मैंने कहा कि वो दोनों इग्नोरेंट थे तो मैंने उस तरह थोड़ा हाई हाँ कंट्रास्ट लुक दिया था, पर जैसे ही ये खालिद जो है वो अपनी स्टोरी सुनाता है कि मतलब क्या हुआ था उसके साथ, वो टेररिस्ट क्यों बन गया, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि किस तरह आप अशरफ के कैरेक्टर के ऊपर है ना एक अजीब सा एक सॉरी अजीब सा तो नहीं पर एक 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 ट्रांसफॉर्मेशन है लाइटिंग का। देखना अभी मैं दिखाता हूँ। हाँ ये तो खालिद है, ये तो खालिद जो समझा रहा है। तो अभी ये खालिद को देखो, ये स्प्लिट लाइटिंग नहीं है, ये काफी लूप लाइटिंग है, यहाँ पे लूप लग रहा काफी है। लूप राइडिंग। हाँ तो ये मतलब एक थोड़ा सा हल्का सा रिवील होता है हम लोगों को कि ओके ये कैरेक्टर अभी रिवील हो रहा है, धीरे धीरे अनरैप हो रहा है करके। और देन यहाँ पे ये मैं बताना चाहता था कि ये जो है ना वो काफी सॉफ्ट लाइटिंग और काफी ओपन, ये पहले तो देखा उसकी आंख भी नहीं नजर आ रही थी अशराफ की, तो इसमें यही मैंने ट्रांजिशन लाया। तो एक्चुअली ये मतलब टेक्निकली लोग कहेंगे कि अरे वो सेम पोजीशन पे है तो लाइटिंग कैसे चेंज हो गई करके। तो एक्चुअली वो क्या है कि पहले तो आई थिंक हाथापाई हो जाती है, तो हाथापाई से वो थोड़ी लोकेशन चेंज सॉरी उसका पोजीशन, लोकेशन क्या पोजीशन पोजीशन चेंज हो गई है।
तो पोजीशन चेंज होने की वजह से लाइटिंग चेंज हो गई है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो इसमें काफी अच्छी लाइटिंग है, मतलब काफी मतलब हम लोग को सॉफ्टनेस देखने को मिलती है, एक अनरैप हो गई है कैरेक्टर के सारे। और यहाँ पे वापस खाली ये काफी एंड, ये क्लाइमैक्स सीन है कि हाँ आप मेरी जगह होते तो क्या कहते करके। तो इसमें भी मैंने क्यों स्प्लिट लाइटिंग दी है ना, क्योंकि मुझे इसको है ना अभी दर्द में दिखाना है कि ये शायद यहाँ पे मर जाएगा करके, या ये भले ही ये इतना क्वेश्चन पूछ रहा कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते, बट देन अशराफ वो उसको बोल रहा है कि सॉरी भाई तूने जो किया वो गलत किया और तू यहीं पे मर जाएगा, आई डोंट नो, तुझे खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तो ये दिखाने के लिए मैंने इसमें काफी वापस डार्क मैं डालना चाहता था। तो बस वही है, यहाँ पे ही कंप्लीट हो गया। तो वही था मेन, मेरा वही मोटो था कि उस हिसाब से मैं ट्रांजिशन लाऊं लाइट से। तो तो ट्रांजिशन तो इसलिए लाइट्स मतलब ऐसे ही कैरेक्टर्स पे रिफ्लेक्ट करती है। पहले हाँ मैं एक्चुअली मानता भी नहीं था, मुझे तो ये लग रहा था कि ये अच्छी अच्छी स्टोरी हो तो फिल्म अच्छे से बन सकती है, मैं गलत था। तो फिर उसके बाद जाके मुझे रियलाइज हुआ कि इससे से स्टोरी अच्छी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए यार मुझे भी एक साथ में ये लाइट। थर्ड थर्ड ईयर में ऐसा, सॉरी SY में ऐसा हाँ ही रियलाइज हुआ कि ओके मतलब कितना इम्पैक्ट, क्योंकि SY में हम लोग को एक सब्जेक्ट था अंडरस्टैंडिंग सिनेमा करके BMM में, हाँ उसमें बहुत फिल्म्स देखी और बहुत फिल्म स्टडी की, तो बहुत मतलब जानने को मिलता है। लोग बोलते हैं कि कॉलेज एजुकेशन मतलब कुछ नहीं, मैं नहीं मानता, मतलब इट्स अप टू यू, मतलब आप क्या सीख रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या निकाल रहे हो, वो आपके ऊपर है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाँ हालात जो फिल्म थी वो बाकी सारी जो प्रोजेक्ट्स उन्हें पहले किया था, हाँ जैसे या फिर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे सिनेमाटोग्राफर तरीके से काम किया, या फिर BMM में मतलब ऐसे प्रोजेक्ट तरीके से जो मिला हाँ था, इंडिपेंडेंट सोलो प्रोजेक्ट्स अगर किया हो जैसे द ट्रेन या फिर बाकी हाँ या जो उसके बाद अभी की भी रिसेंटली जैसे वही उससे अभी हम लोगों ने कैसे डिफरेंट था। हाँ तो ये द ट्रेल जो था ना, तभी मैं कुछ नहीं जानता था सिनेमेटोग्राफी के बारे में, मेरे पास बस कैमरा था, मुझे पता था कि ओके शॉट्स पता थे कि क्या है, क्लोजअप क्या है, कब यूज करना है, डॉली इन कब करना है, या जो भी है वैसे सब। लाइटिंग के बारे में मुझे 1% भी कुछ पता नहीं था, और मैं इस तरह खुद को चलो मैं कैमरा लेके मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ करके ऐसा करने लगता था। तो द ट्रेल का जो था ना, वो पूरा का पूरा नेचुरल लाइट में शूट किया है, पूरा का पूरा नेचुरल है, और उसको हम लोगों ने, तो हम लोग जो थे वो मैक के स्टूडेंट्स एडिटिंग सीख रहे थे, VFX सीख रहे थे, तो कुछ जो लोग थे तो उन्होंने नाइट फॉर डे टेक्निक यूज की। तो हम लोग ने डे में शूट किया, काफी लो एक्सपोजर के साथ शूट किया, और काफी मतलब अपर्चर एफस्टॉप्स बहुत बढ़ा दिए 10 18 वैसे, तो काफी डार्क हो गया इमेज, और देन उसको नाइट में कन्वर्ट किया, ऐसा ब्लूइश टोन दे के, जैसे कि हम लोग ने हालात में किया था, थोड़ा ब्लूइश टोन दिया था हाँ डार्क में, तो हाँ वैसे ही ब्लूइश टिंट दिया, देन थोड़ा कलर ग्रेड करके नाइट किया। पर तभी मेरे पास लाइट नहीं थी, ये जो अभी लाइट है LED पैनल या कुछ नहीं था, तो नेचुरल लाइट में पूरा शूट किया है, तो वो अप्रोच ही काफी डिफरेंट था, तभी मुझे पता नहीं था। और हालात का अप्रोच तो जो था ना, वो एक रूम में बंद था, द ट्रेल या अभी रिसेंटली मैंने जो इन्फेक्टेड नाम की एक फिल्म की, तो इन्फेक्टेड जो है वो पूरा ये है बाहर है, पूरा एक्सटीरियर लोकेशन है, उसमें एक ही सीन है इंटीरियर, एक ही सीन है, तो पूरा हम लोग ने एक्सटीरियर शूटिंग में हम लोग एक्सटर्नल लाइट्स बहुत ही कम यूज किया, और काफी ब्राइट सनी डे में हम लोग ने शूट किया, तो दोनों का जो अप्रोच था वो बहुत डिफरेंट है। और ये द ट्रेल या इन्फेक्टेड की बातें करें तो वो पूरा एक्सटीरियर था, और हालात को जो था तो वो एक्चुअली उसमें क्या था ना, डायरेक्टर्स कोई थे नहीं, मतलब इसमें तो तू प्रॉपर डायरेक्टर था, तो तुझे कुछ चाहिए था, मतलब स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ चाहिए था, तो उसमें हम लोग को हम लोग सब डायरेक्ट कर रहे थे, सब अपना इनपुट दे रहे थे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट था, वो एक मतलब हम लोग क्लास प्रोजेक्ट जो करते थे ना, वैसा एक अप्रोच था। तो इसमें तो थोड़ा हम लोग ने प्रोफेशनली काम किया, स्टडी किया लाइटिंग को, कि स्टडी किया कैरेक्टर्स को, तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच था। और ये
इसमें यही बात है कि इंटीरियर लाइटिंग कैसे करते हैं, ये थोड़ा मुझे सीखना पड़ा, बस वही एक अप्रोच डिफरेंट था। ना हर मूवी में ना कोई हेड टाइप ऐसा होना इससे इम्पोर्टेंट है डायरेक्टर तरीके से, क्योंकि है ना मतलब इसकी दो वजह होती है मेन, तो मैं मानता हूँ एक वजह तो ये क्योंकि मतलब सब कुछ ऐसे कंट्रोल में रहे, ऐसा ना हो कि हर कोई अपना अपना इनपुट डाले कि भाई ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। वही डायरेक्टर का ये काम है सबकी एक बार सुन लो उसका हाँ सजेशन क्या है, सजेशन क्या है करो अपनी खुद की, वही अपने खुद के डिसीजंस लो, अपने खुद के यही ही काम करो। यहाँ से और दूसरा सीखने एग्जाम्पल ये को। कि अगर मूवी में जो भी हो जाए जो लोगों को लग रहा है कि मूवी अच्छे से नहीं बनी वो पूरा एग्जाम डायरेक्टर पे डाल देंगे, बोले हाँ कि डायरेक्टर ने संभाला ये नहीं करा वगैरह वगैरह, तो फिर भले इस बात में थोड़ा बुरा लगता भी है लेकिन या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डायरेक्टर की होती है, वही वो वही खुद लेना उसे लेना भी नहीं चाहिए राइट असर। और कभी अगर जब मूवी अच्छे से भी बने तो डायरेक्टर का यही काम होता है टीम को भी गाइड दे, इसमें मैं यही कहूंगा कि हालात जो है मेरी अकेले की नहीं है, हम पूरी टीम की है, राइट राइट मेरी भी है तेरी है जयमिन कौशल की, मैं तो जिनल जैनब की भी बोलूंगा उन लोगों की भी होती है, तो हाँ फिर वही सो हालात हम सबकी है, जिन लोगों ने साथ में मिलकर हम लोग ने काम किया इस पे, सब लोग अपने आप को चांस दे रहे थे एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर वही रहे थे वही और बिना किसी मतलब तो सब हेल्प की हाँ और हम। सीखने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नया हम लोग ट्राई कर रहे थे। हाँ वही तो पहली फिल्म में मतलब और पहली फिल्म में हम लोग ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, इतना बड़ा मतलब प्रोजेक्ट में काम किया, काफी सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक में हम लोग ने काम किया अपने पहले फिल्म में, वो भी लाइटिंग और ग्रीन स्क्रीन यूज करके उसके बाद भी। वही ग्रीन स्क्रीन, वही थोड़ा वही वो थोड़ा रिस्की एक्चुअली स्टेप है। ग्रीन स्क्रीन हम लोग यूजुअली या द ट्रेन में ग्रीन स्क्रीन नहीं यूज की ना, इन्फेक्टेड में हम लोग ने ग्रीन स्क्रीन यूज की, वो पूरा VFX बेस्ड फिल्म है तो उसमें हम लोग ने नहीं यूज की। और इसमें ये जितना स्टोरी ओरिएंटेड या डायलॉग ओरिएंटेड है और इसमें यूज की ग्रीन स्क्रीन। तो मतलब जब स्क्रिप्ट की डिमांड होती है स्क्रिप्ट में मतलब ऐसे बोलते हैं कि यार जरूरत है दिखाने के लिए जरूरत है, तो फिर उसी में मतलब मेजर यूज करना चाहिए, जैसे स्क्रिप्ट का मेजर पॉइंट क्या होता है हर चीज में, जैसे कि लोकेशन सेटिंग वगैरह लाइटिंग और परफॉर्मेंसेस एक्टर्स की परफॉर्मेंस, हालात में मतलब सब कुछ चाहिए था, तो हम लोग ने सब कुछ उसमें मतलब डाल दिया था जो हो सके उतना यूज किया, कुछ मतलब जहां पर इम्पॉसिबल टास्क था उसमें डिलीवर किया, जहां पर इजीली हम लोग कर सकते थे उसमें फेल हुए थे, जैसे मैंने बताया ना डबिंग में और एडिट में। पर उसे सीखने को मिला, बहुत सीखने को मिला। अभी मैं जब हाँ भी कुछ एडिट करता हूँ तो बहुत सोच समझ के करता हूँ, और संस्कृति इसलिए इतना लंबा बन गया। वही पर मतलब वही बहुत सीखने को मिला कि मतलब एब्रप्ट कट संस्कृति से क्या भी पद्मावत ब्रेकडाउन से मतलब क्या पद्मावत। पद्मावत की जो ब्रेकडाउन बनाई थी ना ऑलमोस्ट 3 घंटे जितनी लंबी बन गई, हाँ। पर वो एक्चुअली मतलब जरूरी था क्योंकि मतलब लोग कहेंगे कि बहुत लंबा है करके, पर वो इतना जरूरी था क्योंकि मैंने जो बहुत फिल्म सारा मेकर से ना हम जैसे फिल्म मेकर हाँ वो लोग हम लोग तो समझेंगे कि लंबा क्यों है ब्रेकडाउन वही वगैरह वही ये सब, तो हम लोग समझेंगे वही कॉमन ऑडियंस शायद ना समझे नहीं वो लोग। समझेगी। और मैंने 170 शॉर्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, 170 शॉर्ट्स मतलब बहुत ये मतलब बहुत ही टीडियस काम था, और मैंने अलग अलग तरीके से समझाया था, मतलब आर्किटेक्चरल या ड्रेपरी या फेस, और विलन को कैसे लाइट करेंगे, हीरो को कैसे लाइट करेंगे। पर बहुत एक्चुअली मैं पहले ये सब सीखा और देन समझाने में और मजा आता है। और अभी एक थोड़ा पर्सनल किस्म का सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब अपने हाँ खुद के लिए पूछूंगा, श्योर कैसा श्योर लगा देख पर के साथ काम करने में, थोड़ा मतलब थोड़ा यार से सजेशन नहीं का सवाल आएगा उधर सॉरी मुझे हाँ हाँ फिर भी मतलब एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ काम करने में। तो मुझे है ना बहुत मतलब मजा आया, क्योंकि मैंने है ना आज तक ऐसा एक जो सिनेमेटोग्राफर डायरेक्टर का जो रिलेशन रहता है फिल्म में वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। ये मेरी ऐसी पहली फिल्म, तो उसके पहले भी जितना मैंने किया ना तो उसमें सब डिसेंट्रलाइज था, सब कुछ सब कर रहे थे वैसा था मतलब सब। तो इसमें एक हम लोग का एक प्रोफेशनल अप्रोच था, तो मुझे इससे मजा क्या आया कि मतलब तुझे कुछ चीजें पता है और मुझे वो चीजें नहीं पता, मुझे जो चीजें पता है तुझे नहीं पता, तो हम लोग ने इतना शेयर किया, इतना हम लोग ने बातें की और इतना सीखे। और वही एक फिल्म बनाना बहुत डिफिकल्ट काम है, मतलब लोग बोलते कि बस क्रू मेंबर्स या मिलके कर लेंगे, पर मतलब मेन तो वही है कि लोगों को मतलब एक
जोड़े रखना, और वो सीखने को मिला वो फिल्म में। और मुझे मजा इसलिए आया क्योंकि तू फ्रेंड था, मतलब कोई अनजान आदमी रहता है तो मैं वही मतलब काफी एक अनईजी फील करता हूँ कि ये क्या मतलब कमेंट करेगा मेरे सिनेमेटोग्राफी पे, या रीशूट करने बोलेगा या क्या। तो अभी ये जो म्यूजिक वीडियोस है, तो मतलब लोगों ने मेरा ये हालात का वर्क देखा, सपने का वर्क देखा, तो वो देख के लोगों ने मतलब अप्रोच किया कि ओके आओ करके। देन पर अगर मैं डायरेक्ट कोई स्ट्रेंजर्स के साथ काम करता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता मेरे लिए कि क्या मतलब। और आई थिंक मुझे वहाँ पे कम सीखने को मिलता है जितना एक हम लोग एक फ्रेंड सर्कल में काम करे तो उसमें सीखने को मिलता है, क्योंकि काफी पर्सनल रिलेशनशिप्स भी रहती है और प्रोफेशनल अप्रोच भी रहता है। तो वो एक बहुत मस्त पॉइंट लगा तेरे साथ काम या करके। मेरा अगर क्या है ऑनेस्टली को, तो फिर अगर ऐसा भी नहीं है कि अगर तो मेरे लिए कोई अनजान इंसान होता और फिर मैं तेरे साथ काम करता तो फिर मैं ऐसा मतलब करता ही नहीं कि यार मैं अपने खुद का मतलब डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता। मैं खुद सीखना हुई हूँ। और हाँ कोई नया भी अगर कोई फ्यूचर में भी अगर कोई सिनेमाटोग्राफर के साथ काम करूँ जिसको मैं जानता नहीं हूँ उसका मैं अपना कंट्रोल टालने की कोशिश करूंगा ही नहीं। मतलब जो फ्लो के हिसाब से कंट्रोल में जाए ना वो ऐसा मैं करूंगा, लेकिन मेन तो मैं सिनेमाटोग्राफर के साथ भी मतलब मैं बात करूंगा और उसके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखूंगा। वही कि मैं कई बार मतलब मैंने सुना है मतलब फिल्म साइंस की स्टोरीज में सुना है कि डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर्स की कभी बनती नहीं है, स्पेशली राइटर की तो बिल्कुल नहीं बनती सिनेमाटोग्राफर के साथ। या तो डायरेक्टर अपने मतलब तीन फेवरेट होते हैं, या तो एक सिनेमाटोग्राफर उसका फेवरेट होता है, या तो राइटर फेवरेट होता है, या या तो तो एडिटर एडिटर फेवरेट होता है, एडिटर वही। और वो तीनों में से किसी एक ही बात ही सुनेगा। इसलिए इस फिल्म में एक डायरेक्टर भी मैं था, राइटर भी मैं था, यहाँ पर सिनेमाटोग्राफर भी था, एडिटर भी दूर था। एडिटर राइट, तो उसे और हाँ वीएफएक्स और एफएक्स आर्टिस्ट रश्मि पर के लिए। वो तो बहुत ही मिनिमल था इसमें, तो वो तो इजी था। पर वही था एक मतलब हम लोग ने एक अच्छे से हम लोगों ने वर्क को मैनेज किया, बैलेंस किया, हम लोगों ने बांट दिया वर्क, वो इम्पोर्टेंट था। और अभी तक दूसरा सवाल ये कि अभी तक जो मेरे साथ काम किया अभी तक एक हाँ वैलेंटाइन गॉन रॉन्ग में भी काम किया था। हाँ वो तो अरे मतलब अलग ही स्केच टाइप था। हाँ एक वो मेरे कॉलेज में मैंने काम किया था। वो गेस्ट अपीयरेंस था, हाँ गेस्ट नहीं, वो एक्चुअली सेकंड 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 लीड कैरेक्टर था, सेकंड हाँ लीड था। यही तो जैमिन था ना, वो अपना लव बॉय बन के, मैं हाँ तो मेरा इनफैक्ट थर्ड लीड कैरेक्टर था फ्रेंड तरीके से। और हाँ तो एक वैलेंटाइन गॉन रॉन्ग में काम किया, फिर एक इसमें मेरे कॉलेज में काम किया जो काफी मेरे लिए टेडियस वर्क था, हाँ और हालात वो जो पर्सनली तो मुझे फेवरेट रहेगा। वो मेरे कॉलेज में तो उसका जो सीन हुआ उसके बाद तो मैं मतलब हेट करने लगा मिट्टी भाई को बहुत। मतलब नहीं मतलब मैं क्योंकि ये देखो ना, मतलब इतनी बड़ी कॉलेज है और इतने हाँ सारे स्टूडेंट्स हैं, इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई म्यूजिक में है, कोई सिनेमाटोग्राफी में, कोई फिल्म्स में, कोई कुछ ना कुछ राइटिंग में, और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हैं। मतलब ये बहुत ही और आउटसाइडर्स को लगता है कि अरे कितनी ग्रेट कॉलेज है, कितनी अच्छी कॉलेज है। और मुझे यहाँ पे बहुत बुरा लगा कि अरे मैं एज अ फिल्म सोसाइटी का चेयर पर्सन होकर भी मुझे शूट करने नहीं मिल रहा, तो ये बहुत ही मतलब वहाँ पे देन क्रैक हो गया मेरा मिट्टी भाई के साथ। मेरा भी मतलब यार मेरा तो दिल पूरी तरह से टूट गया था जब तो मेरे कॉलेज में कभी ही नहीं गया था। लेकिन मैंने एक बात तो सीख ली यार, मैं तो हजार बार गिर, 100 बार हार जा, हजार बार गिरते जा, लेकिन हार मत मान कभी। इसलिए वरना हारा तो मेरे कॉलेज में कभी खत्म होता ही नहीं। द तो एक मेरे कॉलेज में था, हालात था, द नाइट था। अभी नाइट, हम लोग एक और फिल्म में करने वाले थे, द मास्क मैन, द मास्क मैन, और जिसपे वो टॉपिक बेस्ड है उसी की हाँ वजह से वो रिजेक्ट हो गया उसी था। वही वजह से रीजन पे वो मतलब बंद हो गई थी। पर रिजेक्ट वही भी नहीं, बंद ही हो गया था पूरा। वही, और तो अभी तक का हम सबसे लोग बच गए देव, बेस्ट हम लोग बच गए। हम लोग ये जब चालू था, लॉकडाउन चालू होने में कुछ दिन बाकी हाँ थे, तब हम लोग लोकेशन स्काउटिंग पे जा रहे थे, और कुछ भी हो सकता, मतलब हम लोग को क्या हाँ पता कोई तो इन्फेक्टेड हम लोग को, मतलब हम लोग मार्केट में घूम मतलब रहे जब सब। वही कही वही तो हम लोग की जान अच्छी, भाई बच गए, हम लोग की किस्मत बहुत वही ज्यादा अच्छी थी। और इनफैक्ट लॉकडाउन इनफैक्ट पैंडेमिक डिक्लेयर हो उसे एक दिन पहले ही हम लोग हाँ घूम के वही आए थे वही पूरा। मैं तो बोलूँ, वही एक दिन पहले। कोरोना पैंडेमिक डिक्लेयर हो गया था उसे एक दिन पहले, उसके बाद जाके मतलब सब कुछ लोगों को अवेयरनेस आने लग अवेयरनेस गई थी, आ और गई फिर थी। लॉकडाउन इनिशिएट हुआ था। हाँ तू तो पहन के आ था मास्क, तो वैसा आई फिर थिंक मैंने हाँ मास्क मैं नहीं तो फिर भी पहना था। आधा टाइम पहन के वही आया था, फिर मेरा मास्क भी फट गया था। मैंने मास्क भी नहीं पहना था उस तभी, मैं सीरियसली नहीं ले रहा तो था तभी।
और हम लोग क्राउड के बीचों बीच मतलब ऐसे चल भी रहे थे, उसमें और भी अलग से डर था, ना। तो बच गए हम लोग। तब हम तो लोग आइडिया भी नहीं था वही तब वही सोच। तो अभी तक जो हम लोग ने काम किया या फिर अभी फ्यूचर में सबसे फेवरेट कौन सी रही है तेरी, मतलब द नाइट या हालात या नहीं मेरे नहीं कॉलेज के दिन? हालात ही हालात ही, क्योंकि द नाइट का मैंने आई थिंक वेरी पूरा आई थिंक तुझे रीशूट करना पड़ा कोई हाँ, दूसरे सिनेमाटोग्राफर से, तो मतलब एग्जैक्टली रीशूट नहीं, बाकी कुछ जो बचा कुछ था वो हाँ हम लोग की खुद की अपनी रीजन थी कि हम लोग फिर शूट नहीं कर पाए थे ज्यादा, हाँ वही लेकिन जो भी रीजन था उसकी वजह से उसके बाद मुझे वापस कुछ कुछ शॉट्स रीशूट किया था ना। मेजोरिटी मेजर शॉट्स जो थे मतलब क्लोजअप शॉट्स थे वो रीडिंग किया गया था, मुझे हालात थोड़ा बहुत जैसे, एक्स्ट्रा शूट किया था लंबा हाँ करवाने के लिए। मुझे तेरे साथ जो काम किया उसमें हालात सबसे बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग इन्वॉल्व हो गए थे एकदम, और अब पूरी तरह से हम लोग ने अपना खुद वही का प्रोजेक्ट मान लिया था। वही वही और याद है कि जैमिन ने भी मुझे ये बोला था हालात की शूटिंग से पहले, जैमिन ने भी जब शूटिंग जो हम लोग ने फर्स्ट शॉट शूट किया था ना कॉलेज में या फिर अलग हाँ अलग अलग लोकेशन से शूट करने के बाद, जब हम लोग ये वैलेंटाइन गॉन रॉन्ग शूट ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तभी जैमिन ने मुझे बोला था कि क्या भले वो तो कॉमिक आर्टिस्ट है, हालात का कैरेक्टर उसके लिए कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो करके रहेगा कुछ भी हो जाए, उससे वो छोड़ेगा नहीं हालात में, हाँ शूट हालात में वो शूट करेगा और अपने आप को मतलब इम्प्रूव करेगा। तो और जैमिन ने किया अनफॉर्चुनेटली भी वही और अनफॉर्चुनेटली वो खुशा लोग ने नहीं भी। आए यार आज टॉक शो में, मतलब उन लोग के अनफॉर्चुनेटली वो लिए लोग की अपनी खुद की कुछ वही पर्सनल प्रॉब्लम इश्यूज से थी वो लोग वही। नहीं आ पाए, वरना इनफैक्ट जैमिन और कुशल वो दोनों भी आने वाले थे इस हाँ बार। उनके तो बिल्डिंग में आई कुशल जो थिंक था केसेस वो हैं डेडिकेटेड था काफी हद तक, उसने काफी डेडिकेट किया था अपने आप को वही। हालात के लिए, उसने स्क्रिप्टिंग में भी थोड़ी बहुत हेल्प भी की और कैरेक्टर अच्छा समझने की कोशिश की थी, और जैमिन ने भी काफी मतलब वैसे हार्डवर्क किया था। एक एक शॉट के लिए मतलब एक एक लाइन के लिए 10-15 टेक्स देना कोई आसान काम होता नहीं, पहले वो हमारे लिए और भी डिफिकल्ट था, लेकिन जैमिन ने भी किया, उसके बाद अपने इमोशन निकालने की कोशिश की, एक काफी बड़ा डिपार्चर किया था एक कॉमिक आर्टिस्ट से, एक सीरियस कैरेक्टर वो भी इतना कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म का कैरेक्टर हाँ था, हाँ सो दैट वाज लाइक अ बिग थिंग। राइट सो एज ऑफ टू जैमिन एंड कुशल बोथ हाँ एज वेल। हाँ और क्वेश्चन और अभी इसमें एक क्वेश्चन था कि मैं देव से कब मिला। एक्चुअली मैं तो पहले ही बता दिया कि फिल्म सोसाइटी में हाँ, मिले फिल्म देव सोसाइटी में गया हम लोग पहले थे, उसके बाद मतलब थोड़ी बहुत मतलब बात हुई थी हमारी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ही, और मैं कुछ ज्यादा ही शाय किस्म का इंसान था, इनफैक्ट अभी हाँ। भी शाय और इंट्रोवर्ट किस्म का एफ इंसान हूँ, आई मैं में ज्यादा या ऐसी एस आई बात में ही करता नहीं। मिले थे। मैं एस आई में था तब मैं मिले एफ आई थे। में था, एफ आई में मैं था, तो एस आई में था, तो मैंने पहली बार मतलब मुझे इनफैक्ट खुशा नहीं मतलब ऐसे ही किया था, मतलब ऐसे थोड़ा मोटिवेट किया था ये फिल्म सोसाइटी एक बार ज्वाइन कर लेते देखते क्या है सब, तो हम लोग ने मैंने और खुशा दोनों ने ज्वाइन किया। फिर हम लोग आगे मतलब सब मूवीज वगैरह देखने लगे थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जैसे ह्यूगो यूगो यूगो हेलो और फोटोग्राफी जब कास्टिंग कॉल हुआ था ना तभी हाँ तो मैं फोन किया था बताने के लिए कि मैं सिलेक्ट हो गया था, हाँ तो मैं एक्चुअली मैं मानने के लिए तैयार नहीं था मैं सिलेक्ट कैसे हुआ, हाँ अरे कुछ भी जैसे भी जैसे जैसे करके मैंने मतलब अपना भेजा था अपना ऑडिशन और सिलेक्ट हुआ था, लाइक शॉक कम्प्लीटली। उसके बाद हम लोग एक बार गए थे कहाँ पर, गए थे सेट पे जहाँ पर हम लोग अरे एडी सीरीज से आने वाले थे, लेकिन फिर वो बंद हो गया था, वो फिल्म की शूटिंग ही बंद हो गई थी, सीरीज एटी सीरीज की शूटिंग आई थिंक आजाद था वो सीरीज का आजाद नाम। आजाद आजाद हाँ तो तभी हम लोग को फिल्म सोसाइटी से भेजा गया था ना देखने के लिए कि कैसा रहता हाँ है सेट हाँ पे। भाई वो मस्त था, वो एक्सपीरियंस मस्त तो उधर से इनफैक्ट हम लोग और अच्छे दोस्त बने, और फिर मैंने तुम लोग को ड्रॉप किया था घर पे सब लोग को इनफैक्ट था। हाँ मैं भूल ऑलमोस्ट। गया उस समय इसी मुझे याद है यार काफी मतलब हुआ था, असल हम लोग जब विशाल भारद्वाज की फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे, कास्टिंग के हाँ लिए हम लोग ऑडिशंस ले रहे थे और खुद ऑडिशंस दिया भी था, तो हाँ तब जाके फिर हम लोग वो अच्छे तो और मतलब दो वही हम दोस्त लोग की बने हम दोस्ती लोग बढ़ने वही लग गई थी। वही मैं तो हालात के जो पहला शेड्यूल था तभी हम लोग की मतलब अच्छी दोस्ती हो गई थी, वही हालात के पहले शेड्यूल में जब हम लोग ने शूट हाँ किया था तब हाँ वही 1 जनवरी 2019 में, वही और फिर बाकी आगे जाके हम लोग ने किया ना मेरे कॉलेज में वैलेंटाइन हाँ गॉन और हालात हाँ विद द नाइट, तब जाके नाइट तो भाई अभी तू मेरा रिसेंट भाई बन गया है। मेरा तो छोटा मैं भाई और एक बड़ा। ये सवाल पूछूंगा कि कौन से फेवरेट डायरेक्टर्स है तेरे देव, या कौन से ऐसे फेवरेट राइटर्स है स्क्रीन पे राइटर्स है जिससे तू इंस्पायर हुआ, और कैसी टाइप्स की मूवीज पसंद है तुझे। ऑनेस्टली वो मेरा कोई फेवरेट जॉनर जैसा कुछ है नहीं, मुझे हर नहीं मूवी में जॉनर हर नहीं जॉनर डायरेक्टर्स की डायरेक्टर्स हाँ, अगर मेरी फेवरेट डायरेक्टर्स की बात करें फिर लिस्ट बहुत लंबी है, मतलब क्या मैं क्या ये भी कह एक सकता हूँ बार कि वापस मुझे रिपीट कर एक बार अगर रिपीट
क्रैक हुआ बस। लिस्ट जो है ना मेरी फेवरेट डायरेक्टर्स की लिस्ट बहुत ज्यादा ही लंबी है। ऐसा कि मैं है ना ये भी कह सकता हूँ, मुझे क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज अच्छी लगती है, क्वेंटिन टारांटिनो की मूवीज भी अच्छी लगती है, और या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे रोहित शेट्टी की मूवीज भी बहुत अच्छी लगती है, ऐसा टाइम पास तरीके से एंटरटेनमेंट के लिए देख सकता हूँ मैं, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ राजकुमार हिरानी या संजय लीला भंसाली हो या एस एस राजामौली, जो मैं जब बाहुबली के बाद जाके मैंने उसकी सारी मूवीज देखी और मैं फैन बन गया था उसका। मैंने एक भी नहीं तो देखी। मतलब मुझे और अनुराग काश्यप की मूवीज की भी वो मुझे तो अच्छी है। लगती है। सो मुझे मेरा ऐसा कुछ फेवरेट है नहीं, मुझे बहुत सारे मूवीज के जॉनर, ऋषिकेश मुखर्जी एक और ऋषिकेश मेरी मुखर्जी फेवरेट, तो ग्रेट है ऋषिदा, तो। हाँ ऋषिदा मेरे मतलब ऐसा फेवरेट है ही नहीं, बहुत सारे। अगर ऐसे कह सकते कि अगर मुझे कॉमेडी मूवीज में गोलमाल या फिर गोलमाल मतलब ऋषिदा की गोलमाल मूवीज या फिर हाँ रोहित शेट्टी की भी गोलमाल मूवीज अगर मुझे अच्छी लगती है, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे हाउसफुल जैसी सीरीज बिल्कुल पसंद नहीं है और बहुत ही नहीं गंदी लगती है, नहीं नहीं वही मैं ये भी क्योंकि कह सकता हूँ। वही कि कॉमेडियन फिल्म्स की बात करें तो वो बहुत ही वो सब्जेक्टिव है। काफी हद किसी तक को सब्जेक्टिव होता है भाई मतलब बॉस, किसी को वल्गैरिटी कॉमेडी लगती है तो किसी को आप किसी को, किसी ट्रेजेडी में कॉमेडी दिखती है, तो बहुत अलग अलग टाइप की को कॉमेडीज है। डार्क कॉमेडी लगती है, किसी को वही बॉडी शेमिंग में कॉमेडी लगती है, किसी वही को रेसिस्ट रेशियल जोक्स में भी कॉमेडी लगती है, राइट तो राइट मुझे तो पसंद होती नहीं ज्यादा ऐसे ही। मतलब हर किसी के अपने अपने अप्रोचेस होते हैं कॉमेडी को प्रेफर और करना, ऐसा प्रिया है। दर्शन मेरे और मतलब बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर है। मतलब फैमिली प्रिया कॉमेडी दर्शन, अगर देखे तो बेस्ट। तेरी फेवरेट मतलब और कितने, तेरी मतलब टॉप 3 फेवरेट डायरेक्टर्स कौन है? मेरे टॉप 3 मैं कहूँ तो डेविड लीन है जो एक ब्रिटिश डायरेक्टर है, और हाँ देन वेस एंडरसन सबसे वैसे फेवरेट, वो तो ऑब्वियसली राइट और स्टीवन स्पीलबर्ग, क्योंकि मतलब मैं उनकी फिल्म्स देख के स्पीलबर्ग, मतलब बड़ा हुआ हूँ बचपन से। स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म्स देखे, और इंडियन डायरेक्टर्स में मैं कहूँ तो ऋषिकेश मुखर्जी है, क्योंकि उसकी फिल्म्स ही अलग रहती है। और रजत कपूर बहुत पसंद है मुझे, राजद, रजत हाँ कपूर, राजद कपूर, क्योंकि मेरे एक्चुअली मैं जितनी भी स्टोरीज लिखी है अब तक, तो पता नहीं मैं कनेक्ट कर पाता हूँ रजत कपूर की फिल्म्स के साथ, जो जो थोड़ा स्पेशली आंखों यूनिक। देखी मूवीज या हाँ फिर ऐसा कुछ एक हाँ एक ऑनेस्टली मैं अगर अलग। ऑनेस्टली को मुझे पता नहीं था रजत कपूर एक डायरेक्टर भी है, आई थॉट ही इज जस्ट एन एक्टर, उन्होंने कुछ हाँ मूवीज में एक्टिंग की जैसे कपूर एंड सन जैसे, बट सेम डायरेक्टर भी थे, आई डिडंट नो दैट इनिशियली, बाद में फिर मुझे मुझे पता चला था इट इज अ बिग डायरेक्टर। राइट, मुझे आंखों मतलब देखी बचपन में क्या के था कि आंखों देखी बचपन से में क्या पता होता है कि चला एक्चुअली मुझे। हाँ बट बचपन में क्या होता है कि हम लोग को ऐसे बचपन में क्या, अभी की जो ऑडियंस की अगर कुछ है तो वो लोग डायरेक्टर्स का सिनेमैटिक आवाज नहीं आ रहा तेरा, हाँ थोड़ा थोड़ा। हाँ हाँ थोड़ा अभी क्या कि बचपन में भी मुझे ऐसा था, और बाकी जो अभी की भी ऑडियंस जो है ना, अभी की हाँ ऑडियंस वो लोग तो अभी वो लोग को ज्यादा डायरेक्टर्स या राइटर्स या सिनेमाटोग्राफर्स या जो बिहाइंड द सीन्स की क्रूज के बारे में उन लोग को बिल्कुल पता नहीं, वो लोग हाँ बोलेगी कि ये एक्टर की वजह से वो मूवीज देखने जाते हैं, स्पेशली हाँ इंडिया में ऐसा है, राइट राइट वेस्ट में ऐसा नहीं कि एक्टर्स की वजह से देखने जाते हैं, वो लोग प्रोडक्शन कंपनीज या फिर वो लोग कोई ट्रेलर देखते हैं या फिर हाँ इसलिए देखते हैं क्योंकि उसकी उनकी फेवरेट कुछ कॉमिक बुक्स या नॉवेल्स से रिलेटेड हो, हाँ जैसे हाँ मार्वल की मूवीज हो या फिर राइट डीसी की राइट मूवीज हो, और सिर्फ उतना जोकर ही नहीं, जो मूवी आई थी। मतलब डायरेक्टर्स को भी अप्रिशिएट करके लोग वहां पे देखने जाते कि ओ हाँ वहां अभी पर कई अरे बार क्विंटिन की मूवी आ रही है, 9th फिल्म क्रिस्टोफर लाइक नोलन वी की है। या स्कॉर्सेस की, सही मार्टिन स्कॉर्सेस की, वही वही और स्पिलबर्ग की मेरी फैसिनेशन ये स्पिलबर्ग के बारे में, वो मेरा एक और फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि स्पिलबर्ग की अगर तू फिल्मोग्राफी देखेगा ना, ऐसा लगेगा नहीं कि सारी मूवीज एक ही डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया हो, हाँ हाँ वही, ऐसे ही क्योंकि कोई हाँ एडवेंचर इंडियाना है जोन्स हो या द कोई पोस्ट हो, भाई। हाँ द सो दैट्स पोस्ट भी लाइक मतलब इसलिए स्पिलबर्ग इज अनदर फेवरेट है वही मेरी। वही क्योंकि उसका अलग ही है। और डेविड लीन मुझे क्यों पसंद है ना, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज स्केल फिल्म्स है उनकी, और एपिक एपिक जो पोएम्स रहती है ना, मतलब जो हम लोग मतलब लार्जर देन लाइफ पोएम्स या लार्जर देन लाइफ स्टोरीज जो हम लोग बोलते हैं, तो उस तरह की फिल्म्स है उनकी। द लॉरेंस ऑफ अरेबिया या डॉक्टर जिवागो, वो सब हाँ फिल्म्स देखकर बहुत ही इंस्पिरेशन मिली, मतलब कितना हम लोग ग्रेटनेस क्रिएट कर सकते। ग्रेट यार। और फेवरेट जॉनर कौन सी, मतलब फेवरेट मेरा जॉनर की फेवरेट मूवीज ज्यादा जॉनर एडवेंचर है एक्चुअली, क्योंकि एडवेंचर और एडवेंचर्स? एक्शन एंड देन मैं ड्रामा में आऊंगा, क्योंकि पहले मैं पता नहीं अच्छा बहुत ही मैंने जब फिल्म्स देखना स्टार्ट किया ना, तो मैं एज एन एंटरटेनमेंट देखता था,
और जब देखता था तब सब एक्शन फिल्म्स या एडवेंचर फिल्म्स ज्यादा देखता था और एनिमेटेड फिल्म्स ज्यादा देखता था, और मोस्ट ऑफ द एनिमेटेड फिल्म्स आर इधर बेस्ड ऑन एडवेंचर और एक्शन जॉनर, तो वही तो तभी काफी फैसिनेशन उसमें था, और देन मैंने ड्रामा देखना स्टार्ट किया, ड्रामा जॉनर की फिल्म्स पर तब थोड़ा इंटरेस्ट आया ड्रामा। परफेक्ट यार. मतलब ऐसे ही कि फिल्म मेकर जो है, हम लोग फिल्म मेकर जो है वो ज्यादातर ऑडियंस की तरह है, बस ज्यादा मतलब डिटेल में जाते हैं, हाँ और हर मूवीज वही हम लोग ऐसे ऑडियंस की तरह देखते हैं. जैसे वही कौन सी मूवीज को ऑडियंस की तरह देखना प्रेफर करेगा, या कौन सी मूवीज को रियलिज्म की तरह प्रेफर करेगा, ऐसे कोई ऐसा कुछ है क्या मतलब हाँ ऐसे दिमाग में? तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं फिल्म से ना कभी भी एक बार नहीं देखता, दो बार तो देखता ही हूँ, कोई कोई ना कोई फिल्म अगर पसंद आ जाती है तो ये पहले तो मैं ना हर फिल्म ऑडियंस के जैसे ही देखता हूँ, मतलब सिंपल कुछ मतलब एंटरटेनमेंट का मीडियम है ये फिल्म, इस तरह मैं देखता हूँ। तो देन अगर वो पसंद आ जाती है फिल्म तो देन मैं उसको दोबारा देखता हूँ ये जानने के लिए कि क्या है उसमें, क्या मैसेज है, या क्या डीप थॉट क्या है उसके पीछे क्या है। तो अगर मैं जोया अख्तर की फिल्म्स देखूँ, दिल धड़कने दो या जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, तो वो सारी फिल्म्स में ऐसा एंटरटेनमेंट के उससे देखूंगा, स्टडी मतलब बाद में करूंगा, पर वो और अगर स्टडी करना है तो मैं काफी मतलब डीप जो फिल्म्स रहती है, कुछ अलग टाइप की फिल्म्स रहती है, एलेहांद्रो इनारितु की या क्रिस्टोफर नोलन की ले ले फिल्म, तो वो ऐसी फिल्म्स हैं जो आप एंटरटेनमेंट आप एंटरटेन हो जाएंगे, पर वो सबकॉन्शियस वो एंटरटेनमेंट होगा, पर आप सोचते ही रह जाएंगे कि वो क्या है करके, तो आपको स्टडी करने का और मन करेगा। तो वही है, तो वो फिल्म्स जो है क्रिस्टोफर नोलन की, और वो फिल्म्स मैं स्टडी करना प्रीफर करूंगा, और जो एंटरटेनमेंट के लिए उसको एंटरटेनमेंट के लिए बस। मेरे लिए इनफैक्ट पूरा अलग होता है. मैं कुछ मूवीज जो है ना एंटरटेनमेंट तरीके से भी देखता हूँ, भले ही वो मतलब एक हाई सुपरफिशियल टाइप कॉमेडी फिल्म भी हो. जैसे हमारे कितने सारे इंडियन मूवीज होते हैं तो हाँ फैमिली के साथ देखता हूँ, या फिर वो ऐसी मूवीज जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो मूवीज होती है हाँ वो मैं ज्यादा एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ. जैसे डीप फिलोसॉफिकल थॉट्स के लिए ज्यादातर मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं ज्यादा जो डार्क मतलब ऐसा होता ना इंडी फिल्म्स होते हैं वो लोग भी कभी बार एंडेड तो ऐसे सोचता हूँ कि और मैं ऐसे डार्क ऐसे सोचता हूँ यार थॉटफुल प्रोसेस कभी बार मैं एक्सपेक्ट ये भी करता हूँ कि मूवीज काफी डार्क एंडेड हाँ निकल जाती है कभी बार, तो काफी हद तक वही तो ऐसा सिचुएशन अभी हो जाता है मेरे साथ. और मैं अलग 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 कभी कभार जो नोलन की मूवीज जो होता है मैं एंटरटेनमेंट के कम और सबकॉन्शियस के साथ ज्यादा देखता हाँ हूँ, या फिर संजय लीला भंसाली की मूवीज भी हाँ अरे ऐसे वो ही. तो ग्रेट और मैंने कई सारे मूवीज में ये भी नोटिस किया है कि राजकुमार हिरानी की मूवीज में भी मैंने नोटिस किया कि भले वो बाहर से ऐसे दिखा दे कि एंटरटेनमेंट किस्म की होती है, लेकिन अंदर से काफी मतलब लेयर्स भी होते हैं उसके वही अलग किस्म के वही जो हमें पता नहीं चलता शुरुआत में, हाँ वापस अगर एक और बार शायद देखेंगे तो पता चलेगा ऐसा हाँ होता है. हाँ वो मैंने बीच बीच में नोटिस किया, वो मेरे अपनी खुद की थ्योरी से हिसाब से होता है कि हाँ शायद ऐसी थ्योरी हो या फिर ना हो वही वही ऐसे. ये मेरे मतलब मेरा कोई फेवरेट जॉनर नहीं है, मेरा कोई फेवरेट डायरेक्टर भी ऐसा कुछ है नहीं. मतलब जस्ट जो है जो ऐसा देखता हूँ वैसा मैं देखना चाहता हूँ. ट्रेलर ज्यादातर मैं देखता हूँ, और मैं एक्टर्स लिए तो बिल्कुल देखता नहीं हूँ. कोई हाँ मेरा फेवरेट एक्टर जैसे अक्षय कुमार मेरा फेवरेट एक्टर है, अच्छा तो मैं उसकी केसरी देखूंगा, मैं 100 बार देखूंगा, एडियट देखूंगा, लेकिन हाँ उसकी हाउसुन की एक भी फिल्म नहीं देखूंगा. हाँ तो वही मतलब जॉनर वाइज एक इंटरेस्ट आता है। करेक्ट. जॉनर वाइज में भी है, मतलब ऐसे होता ना जैसे मैंने बताया कि कुछ एक्शन मूवीज अच्छी होती है, कुछ एक्शन मूवी कुछ अच्छी लगती भी नहीं है, ऐसा रहे. वही 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 तो यार इट वाज वेरी फन हैविंग हाँ कन्वर्सेशन विद यार यू बहुत मैन. मजा आया। तो वही हम लोग कंक्लूड करेंगे यार एक लास्ट क्वेश्चन के साथ, कि वही कि हाँ आगे देव तुम किस तरह की फिल्म्स बनाना चाहते हो आगे, और ऐसा कुछ क्या भाई करना लोगों चाहता तक हूँ. क्या पहुंचाना चाहते हो एज अ फिल्म मेकर, क्या सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो फिल्म्स के थ्रू। अगर फिल्म के जरिए मैं ऑनेस्टली को मैं बहुत सारी मूवीज बनाना चाहता हूँ, भले ही वो अवेंजर्स जितनी भी बड़ी फिल्म क्यों ना हो, या फिर वो बहुत ही मतलब स्वीट सिंपल सी फिल्म क्यों ना हो, या फिर डार्क
साइकोलॉजिकल टाइप भी क्यों ना हो, मैं कोई हर तरह की चीज मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है कि यार मैं कोई मैसेज लाना चाहता हूँ या नहीं, तो हर तरीके से एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ह्यूमैनिज्म, ह्यूमैनिटी के जरिए मैसेज अपने आप आ जाती है मेरे अंदर हाँ फिल्म के जरिए। मैं सोशल मैसेज अपने आप ही आ जाता हूँ, लेकिन मैं सोशल मैसेज के जरिए मूवीज नहीं बनाना चाहता। ऐसे ओके नहीं कि सोशल मैसेज को या फिर मैं देशभक्ति को या फिर मैं किसी इमोशनल क्वेश्चन को यूज करके मैं मूवीज नहीं बनाना चाहता। ओके राइट अगर ये मेरा एक है, मतलब सोशल मैसेज तो अपने आप आती जाएगी से, कोई ना तो कोई तरीके से, नियर्स के जरिए या फिर ऐसे चिल्ला चिल्ला के भी बोलियो भाई इस पे फोकस करो, ऐसा कुछ। मैं इतना है कि मैं सिर्फ फिल्म मेकिंग के लिए बनाऊंगा, मेन सोशल मैसेजेस आती रहेगी। That's the only thing about me, and about you, the same thing, same question. हाँ अच्छा आगे ये तो काम जो है। मैं पता नहीं, मतलब मैं फिल्म्स की अगर स्टोरीज लिखता हूँ कभी तो हाँ मैं एक शुगर कोटेड मैसेज जैसा मैं कुछ फिल्म्स बनाना चाहूँगा कि मतलब एक स्वीट स्टोरी है, एक अच्छी स्टोरीज है, मतलब एक इंस्पिरेशन है बाहर से पर अंदर से वो काफी मतलब एक डीप है मैसेज कुछ, या डीप कुछ डार्क कुछ है, मतलब जो इंसान को ऐसे देख के पता नहीं चलेगा पर और समझना पड़ेगा। तो वैसी मतलब फिल्म में बनाना चाहूंगा। और वो तो एक जॉनर अलग ही है पर मैं एडवेंचर और एक्शन फिल्म्स भी बनाना चाहूंगा क्योंकि मैं भी इनफैक्ट ट्राई करना चाह रहा था। हाँ इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात ये है, मैंने एक्शन फिल्म में बनाने भी वाला था लॉकडाउन से पहले। एक मतलब मेरी तीन प्रोजेक्ट्स थे जिसमें मैं काम करना चाहता था, एक तो हमारी मास्क मैन, एक और है जो विनाश फिल्म है जो हालात से थोड़ी बहुत मतलब रिलेटेड है। पहले उसका टाइटल भी हालात टू रखा था, अभी विनाश नाम है उसका, उससे मतलब उससे थोड़ा बहुत ऐसे रिलेटेड है। और एक मार्शल आर्ट्स बेस्ड एक्शन फिल्म, मैं तीनों मूवीज में मतलब कौन सी बेस मार्शल आर्ट्स बेस मार्शल आर्ट्स ओके हाँ तो वो एक एक्शन फिल्म थी। मतलब ये तीनों मूवीज में मतलब स्क्रिप्ट तैयार थी और काम करने के लिए बातें भी चालू हो गई, लेकिन एक बार अभी लॉकडाउन खत्म हो जाए, लॉकडाउन के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल सी में आ जाएगी, सब कुछ ऐसे ऐसे ही कि कोई खतरा वगैरह भी है, तब मैं काम फुल फ्लेज चालू करूंगा सारी मूवीज में साथ में। वही मिलके और नई फिल्म्स बनाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आप गाइस थैंक यू सो मच देव, बहुत ही हमने बात की, बहुत ही बात की, थैंक यू यार बात करने के लिए। ऐसे तो आपस में हम लोग कई बार तो सौ दो ऐसे तो हम लोग कई बार ऐसे ही बात कर चुके हैं, सौ 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 बार हम लोग ऐसे ही बात कर चुके हैं। पहली बार हम लोग ऐसे लाइव मतलब ऐसे ही हमारी कन्वर्सेशन बताना चाहते हैं दुनिया को कि हम लोग की कैसे मतलब लोग कई बार मुझे मैसेज करते हैं कि अच्छा क्या दिगंत ये वीडियो लेके आया, हम लोग को सीखने मिला। तो यही एक्चुअली मेरा एक पॉइंट था कि मैं क्यों ना हालात के मतलब तू डायरेक्टर है तो वो लोगों पता चले कि कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब ये इजी नहीं है कि फिल्म आपके पास स्क्रिप्ट आ गई आपने बना दी। तो ये वही कि आप मतलब मुझे लोगों तक पहुंचाना था इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। तो थैंक यू सो मच गाइस फिल्म में पंडे पे बने रहने के लिए। इस तरह मैं आगे नेक्स्ट एपिसोड में और फिल्म ब्रेकडाउन लेके आता रहूंगा। तो थैंक यू देव, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैन, थैंक यू वंस अगेन। ओके बाय गाइस, टेक केयर, बाय, टेक केयर, ओके टेक केयर, बाय, सी सी। आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, इंसान अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनता, उसके हालात उसको ऐसा बना देते हैं। हालात इंसान को बनाते नहीं, उसे चुनौती देते हैं, और वो तो उस इंसान पे है उसे कौन सा रास्ता चुन के क्या बनना है। और रही बात तेरे सवाल की, मैं कुछ भी करता लेकिन तेरी तरह टेररिस्ट नहीं बनता, और अपना बदला पूरा करने के लिए उन मासूमों को जान से नहीं मारता।